ना। जी सर। तो आज के इस फिजिकल साइंस में देखिए, हम लोग किताबें तो आपको जी फरमाइए। सर आवाज कम रही है? हमारे सर आवाज बहुत कम आ ओके रही। ओके, आएगी आएगी थोड़ा सा। हाँ, बिगिनिंग है ना। तो ये आप तक जो है आपकी किताबें पहुंच गई होंगी, आपके फिजिकल साइंस की, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। अब मैं यहाँ पे ये जो तरीका कार इख्तियार कर रहा हूँ उसमें आपको कुछ सवालात भी पूछता चलूँगा, साथ साथ में डिस्कशन भी करता चलूँगा। और यूनिट 1 और 2 मुमकिन हद तक आज डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, जिसमें हो सकता है आपके असाइनमेंट्स भी कवर हो जाएंगे। जो असाइनमेंट आप लिखने जा रहे हैं उसके सवालात के जवाब भी जहन में रखिए, और पुराने अगर कोई क्वेश्चन पेपर्स आपके पास हों तो उसको भी जहन में रखिए। अगर कोई सवाल जहन में उभरता है तो उसको आप पूछ सकते हैं। अगर कंटेंट आपको पता है तो आप इंटरेक्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी कंटेंट जो है आप जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़ाते हैं और आप जानते हैं, इन्हीं से वाबस्ता चीज़ें रहेंगी इसके अंदर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साइंस के मानी क्या हैं, उसकी चंद तारीफें देखेंगे। उससे पहले जो है मीनिंग, नेचर और स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस देखेंगे। फिर उसके बाद जो है साइंस का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, जैसे सब्सटेंटिव क्या है, सिंटैक्टिक क्या स्ट्रक्चर है। फिर जो है जो तरीके कार साइंस में इस्तेमाल किया जाता है उसको देखेंगे। अखलाकी कुछ इकदार जो है बहुत अहम होते हैं किसी भी मजमून को पढ़ाने के लिए, उन इकदार को देखेंगे कि क्या इकदार हैं। और उसके अलावा जो है साइंस का मुख्तलिफ मजामीन के साथ क्या रिश्ता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे साइंसदान हो गुजरे हैं जो जिनका साइंस में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और मैंने ये सोचा था कि कुछ वीडियोस चलाऊं, जिसके लिए मैंने आवाज़ टेस्ट करने की कोशिश की शुरुआत में। आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही है, वीडियो हालांकि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर लेकिन ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा है। तो देखते हैं उसके लिए क्या तरीके का इख्तियार किया जा सकता है। हम बहस और मुबाहसे के ज़रिए उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ जस्ट वेट फॉर अ मिनट। अब मुमकिन है कि अभी कोई ज्वाइन नहीं होगा। ओके okay. तबीयती साइंस की तदरीसियात के बारे में हम जानेंगे आज के इस काउंसलिंग सेशन में। ये मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ये आपके सेल्फ लर्निंग मटेरियल, बीएड के सेल्फ लर्निंग मटेरियल से ही मैंने लिया है। सबसे पहले अकाई 1, जो इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस और फिजिकल साइंस, इसको देखते हैं। इसमें जो है साइंस के माने क्या हैं। साइंस के माने जब आप देखेंगे तो साइंस के माने किस लफ्ज़ से निकला है साइंस? लातिनी लफ्ज सर। लातिनी लातिनी लफ्ज़ से निकला है। लातिनी लफ्ज़ से निकला है। लातिनी लफ्ज़ साइंटिया से अब भी किया गया ओके ओके, जिसके माने तो नो यानी कि जानने के। जानने के।
जानने या मालूम करने। हाँ यस ठीक सर, है। ठीक है सर। अच्छा हाँ, तो जानने या मालूम करने से मुतालिक है। फिर जो है साइंस क्या है, अगर हम ये सोचेंगे साइंस क्या है ये अगर जानना चाहेंगे तो हमें जो है साइंस के अंदर मुख्तलिफ नज़रियात मिलेंगे, हाँ थेरीज मिलेंगे, साइंस के कुछ कवानीन हैं, लॉज हैं, साइंसी तजुर्बात हैं, हाँ ये सारी चीज़ें होंगी। और इन तजुर्बात नज़रियात और कवानीन को लेकर हम अपनी मालूमात की जांच करते हैं। ठीक है। फिर जो है यहाँ पर जब हम साइंस में देखेंगे तो दो तरह की चीज़ों का मुतालिया होता है। एक होता है एक होता है जानदार चीज़ों का मुतालिया और एक जो है बेजान चीज़ों का मुतालिया। दो तरह की चीज़ों का हम मुतालिया करते हैं साइंस के अंदर। और गैर जानदार या बेजान चीज़ों का जो मुतालिया करते हैं वो ज़मीन पर भी मौजूद होती हैं, ज़मीन के बाहर खला में भी मौजूद होती हैं। ये सारी चीज़ों में का मुतालिया करते हैं, जैसे जानदार हैं, चरिंद परिंद हैं, फिर उसके बाद पानी में तैरने वाले, ज़मीन पर रहने वाले, हवा पर उड़ने वाले, पहाड़, पेड़ पौधे, हाँ इन सारी चीज़ों का मुतालिया जो है साइंस के अंदर होता है। लेकिन साइंस को के माने को मंदरजेल नुक्ते नज़र से भी समझा जा सकता है। जैसे आप कह बात रहे थे छोटी आ रही सर, आवाज़ आवाज बहुत कम आ छोटी आ रही रही। है, हाँ सर, आवाज़ कम आ रही आपकी आवाज। रुकिए मैं जी माइक्रोफोन सर, निकाल के। अब आ रही है आपको आवाज़ और कम आ रही। और भी कम आ रही है? अच्छा जी सर, ठीक है, ये आवाज आ रही है, ये भी नहीं आ रही है। आ रही है नहीं सर सर, ये अच्छी आ रही आवाज है। किस तरह से किया जा सकता है, मैं कोशिश तो करूंगा, देखते हैं। आ रही सर, अच्छी आ रही है। चलिए कोशिश करते हैं, 1 मिनट ठीक है सर। देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर आवाज आती है तो बेहतर है। सर आ तो रही है, अभी यहाँ क्या पर बेहतर है सर? बेटर अभी है। आवाज हाँ अच्छी आ रही है सर। जी सर, अब आ सर, रही है। हाँ तो यहाँ पे जो है खुद को और कायनात को समझने का तरीका है साइंस। जो है एक तरीके का है जिससे हम अपने आप को, जैसे हमारे बॉडी को, दूसरा और एक है क्या, देखो माइक्रोफोन, तो हमारे अपने आप को हम समझते हैं, अपने बॉडी को समझने की कोशिश करते हैं, अपने जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को समझने की कोशिश करते हैं, हमारे आसपास के चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, हमारे उनके साथ रिएक्शन करते हैं। अगर पौधे को ऑक्सीजन न मिले तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो कैसे होगा, अगर पौधा की ग़िज़ा हमें न मिले तो क्या होगा, और जानवरों को अगर खाने को नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अगर पहाड़ों को काटा जाएगा तो क्या होगा, यानी कुल मिलाकर खुद को और कायनात को समझने का तरीका कार इसके अंदर होता है। और मुनज़्ज़म तौर पर हासिल करदा मालूमात का ज़खीरा है साइंस। और जो भी मालूमात मिलती हैं हमें उसको हम दर्जा बंद करते हैं, जैसे जो हरकत करते हैं, जो अपने यंग जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे चीज़ों को हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि ये जो है क्या है कि ये जानदार चीज़ें हैं। बेजान चीज़ें जैसे पत्थर, अपने पत्थर बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो हरकत नहीं कर सकता,
वो जो है पत्थर जो है फिर जो है हरकत नहीं कर सकता, फर्क पत्थर खा नहीं सकता। हाँ, पत्थर में कुव्वत हाजमा या सर्कुलेशन वगैरह नहीं होता। तो इस तरह से दर्जा बंद करते हैं हम, जानदार चीज़ें कौन सी हैं, बेजान चीज़ें कौन सी हैं। ये एक तरीक़ा है तहकीक है, साइंस एक तरीक़ा है तहकीक है, जिसको हम अपने अतराफ की चीज़ों को देखते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं, अपने कयासाराई लगाते हैं, फिर उसको तहकीक करते हैं कि क्या सही है हमारा कयास जो लगाए थे। यानी यहाँ पर देखा जाए तो साइंस के अंदर मुसलसल मुशाहिदात होते हैं, बग़ैर मुशाहिदे के कोई भी बग़ैर मुशाहिदे के ऑब्जर्वेशन के साइंस नहीं है। इसके अंदर मुख्तलिफ तजुर्बात होते हैं और उनको इस्तेमाल करके सबूत दिए जाते हैं। फिर अगर देखा जाए तो इनसे अपनी अतराफ की चीज़ों से वाकफियत हासिल करने को करना जो है साइंस के माने में आता है। और जो भी हम मालूमात हासिल करते हैं, जैसे कि हमने अपने बड़ों से सुना था कि उन्होंने देखा कि पानी और सूरज की रोशनी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने सूरज की रोशनी को हटाकर उसके ज़रिए जो उसके जगह पर जो है बल्ब की रोशनी लगाकर एक्सपेरिमेंट करके देखे कि क्या बल्ब की रोशनी से भी जो है यहाँ पर ये होता है, क्या प्लांट ग्रो होता है। तो इसको इस तरह से मुख्तलिफ तजुर्बात तस्दीक करने की कोशिश की है कि जो एक्सपेरिमेंट साइंसदान कह रहे हैं वो सही है या कुछ और उसमें तब्दीली की जा सकती है। फिर इसके अलावा देखिए कि ये जो है तसव्वुरात उसूलों और नज़रियात को तसव्वुरात उसूलों और नज़रियात को कायम करना और इन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना। तो जो है जैसे बारिश होती है तो बारिश के लिए ठंडी हवा, जब बादल फॉर्म होते हैं तो ठंडी हवा का होना ज़रूरी है, ठंडी हवा के लिए ये हमारा एक नज़रिया है। इसके लिए क्या ठंडी हवा के लिए हमें प्लांट्स ग्रो करने हैं, तो प्लांट्स ग्रो करेंगे तो प्लांट्स के ज़रिए जो है ठंडी हवा बादलों को लगेगी और फिर बरसात आएगी। तो ये एक कयास आरई है, ये एक नज़रिया है, इन नज़रियात को जो है टेस्ट भी करते रहते हैं। हा? और किसी भी पहलू की सही सिमत सही पैमाइश करते हैं, और सही पैमाइश करके जैसे चांद क्या ज़मीन से कितना दूर है, सूरज कितनी दूर है। हाँ, तो उसको हम अपने अल्फाज में जो है बयान भी करने की कोशिश करते हैं, और ये मुसलसल हासिल करदा मालूमात का ज़खीरा है जो भी साइंस है। अब बहुत सारे लोगों को पूछेंगे साइंस क्या है, तो वो कहेंगे कि साइंस वो चीज़ है जो साइंस की किताब में है लिखा हुआ है, या साइंस वो चीज़ है जो साइंसदान करता है। तो जो भी नई चीज़ें आ रही हैं मुसलसल हासिल करदा मालूमात का ज़खीरा बनता जाता है, और नई मालूमात पुरानी मालूमात की जगह लेती हैं, और साबिका मालूमात में मुसलसल जो है इजाफा होता रहता है। यानी कल तक जितनी मालूमात हमारे पास थी आज उससे ज़्यादा हैं, आने वाले चंद सालों में और उससे ज़्यादा होंगी, मालूमात में मुसलसल इजाफा होता रहता है। तरक्याती नए उसूल और ज़वाबित सामने आते हैं, तरक्याती नए उसूल और ज़वाबित सामने आते हैं, और मालूमात जो हैं आर्जी और मुसलसल होती हैं। जैसे पहले ज़माने में ये तस्वुर किया जाता था कि ज़मीन मरकज़ है कायनात का और तमाम सैारे और सितारे जो है ज़मीन के अतराफ गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन कोपरनिकस ने ये मालूम किया कि ये जो है सोच गलत है, गलत है। और इसकी जगह पे उन्होंने ये पता किया कि जो है सूरज मरकज़ है और सूरज के अतराफ तमाम सैारे जो सोलर सिस्टम में है उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तब उन लोगों ने कबूल तो नहीं किया, लेकिन जो है हकीकत वही थी, बाद में जाकर पता चला। यानी नई मालूमात पुरानी मालूमात को बदलती भी है। इसीलिए जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जब कुरान शरीफ की तफसीर करना शुरू कर दी तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी तफसीर आम शख्स के ज़ुबान में करना चाहता हूँ,
जिसके लिए साइंस का सहारा भी लिया जा सकता है, लेकिन साइंस को मैं कतई या डेफिनेट मान कर नहीं करता कोई भी ट्रांसलेशन, क्योंकि मुझे मालूम है कि साइंस जो है आरजी है, और जैसे जैसे नई फाइंडिंग आएगी तब्दीलियां होती रहेंगी। तो ये है साइंस की कुछ माने को आप तस्वीर कर देख रहे हैं, तो ये इसके कुछ माने हैं। इस लिहाज से मैंने कुछ तारीफ हैं जो आपके सेल्फ लर्निंग मटेरियल में दिए गए हैं, उनकी कुछ तारीफें वहाँ से ली हैं और यहाँ पर आपके सामने पेश किया है। ये माना जाता है साइंस की तारीफ इस तरह से भी की गई है, साइंस बाकायदा और ज़खीरा करदा इक्तसाब या आमोजिश है। जिस तरह से मैंने कहा कि साइंस के किताब में जो पाया जा रहा है मवाद, वही साइंस है। लोग ये समझते हैं, तलबा यही समझते हैं कि यही साइंस है जो साइंस की किताब में लिखा गया है। साइंस क्योंकि ज़खीरा करदा इक्तसाब है जो उसके अंदर मौजूद है। साइंस की इर्तिका का अंदाज़ा महज वाकयात का ज़खीरा करना ही नहीं, बल्कि साइंसदानों के तरीक़ेकार और रुझानात के इजहार से होता है। साइंस की इर्तिका का अंदाज़ा जो है महज वाकयात का ज़खीरा करना ही नहीं, एक जगह ला के रखना ही नहीं, साइंसदानों के किरदार तरीक़ेकार और रुझानात के इजहार में भी होता है। साइंसदानों ने किस तरीक़ेकार को इख्तियार किया। जैसे मैं आपकी बैच को या सेकेंड ईयर की बैच को ये बतला रहा था कि साइंसदानों ने किस तरह से हवाई जहाज का की ईजाद की, राइट ब्रदर्स ने उसकी ईजाद की, तो उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जोड़े, परिंदों की तरह बनाने की कोशिश की, और फिर उसको ऊंचाई पर ले जाके उसको नीचे की तरफ ढकेल के कोशिश की कि किस तरह से क्या हम उड़ सकते हैं। लोगों ने, यहाँ तक के लिखे पढ़े अफराद ने भी उन पर हंसी उड़ाई और खिल्ली उड़ाई और कहा कि ये दो दीवाने हैं जो अपने आप को आसमान में उड़ाना चाह रहे हैं, और जिसका जिक्र वहाँ के अखबारात में भी मिलता है। लेकिन आज हकीकत देखिए कि एक इंसान क्या कई अफराद जो है तैयारों में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर रहे हैं। तो साइंसदानों के तरीक़ेकार और उनके रुझान का इजहार भी जो है एक साइंस का माने में के तौर पर लिया जाता है। दूसरा और एक डेफिनेशन है, ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी में दिया गया है, और वो इस तरह से है, दुनिया और इसके कुदरती उसूल, दुनिया और इसके कुदरती उसूल से मुतालिक समाज का मुशाहिदा, यानी जो समाज हम दुनिया और इसके कुदरती उसूल को देखते हैं, सूरज कब निकलता है, चांद हिलाल बनता है, फिर 14वीं का चांद बनता है, फिर अमावस आती है, ये मुख्तलिफ वाकयात होते रहते हैं। इसका मुशाहिदा हकायक की दरियाफ्त करते हुए बातरतीब और सिलसिलावार हासिल किया जाने वाला इल्म ही साइंस है। शायर जो है कुछ लिखता है कि जो है 14वीं का चांद हो या आफताब हो, हाँ, तो वहाँ पे शायर अपने अल्फाज में जो है उसकी तारीफ बयान करता है, यानी एस्थेटिक सेंस भी उसके अंदर मौजूद है कि हम इन्हीं चीज़ों को देखकर उससे जो है खुश भी होते हैं, हाँ, और जो है उसका लगातार मुशाहिदा हमें नया इल्म देता है। ये है साइंस। फिर जो है पैट्रिक ने भी बहुत बेहतरीन डेफिनेशन दिया है, उन्होंने कहा है कि साइंस उन तजुर्बाती मुशाहदात का एक लामतनाही सिलसिला है या इनडेफिनेट सिलसिला है, तजुर्बात जो है स्टॉप नहीं होते हैं। अब तक देखिए, प्लूटो को भी एक सयारा माना जाता था, अब वो सोलार सिस्टम के सयारों में शामिल नहीं है। एक मिनट, थोड़ा सा
हेलो जी सर, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ सर, आ रही है। हाँ, तो हम जो है पैट्रिक का डेफिनेशन देख रहे थे। उन्होंने कहा कि इनडेफिनेट मुशाहिदात होते हैं, यानी आप समझिए कि हमने एक बार सोलर सिस्टम में एक सूरज, एक सितारा, कुछ नौ सैयारे पहले पता किए, तो इनडेफिनेट नहीं रहेगा। फिर उसका मुशाहिदा चलते रहते हैं और फिर पता चलता है कि एक सैयारा जो है सैयारा नहीं है। तो जो है किसी ने अगर कह दिया कि घोड़े के मुंह में जो है दांत 34 होते हैं या 40 होते हैं, तो फाइनल नहीं है जब तक कि आप उसका मुशाहिदा ना करें। और ये मुशाहिदा जो है, अक्सर जो मुशाहिदा होते हैं, तसव्वुरात और नज़रियात की तश्कील पर मुश्तमिल होते हैं। ये लगातार मुशाहिदा जो है हमें तसव्वुरात बनाने में, नज़रियात बनाने में मदद देते हैं। हम साल के चार मौसम किस तरह से मालूम किए? लगातार उसका मुशाहिदा किए और नज़रियात करके हमने कहा कि जो है एक साल के चार मौसम होते हैं। और इन तसव्वुरात और नज़रियात को मज़ीद तजुर्बाती मुशाहिदात की रोशनी में तब्दील करनी पड़ती है। अगर आपका समझिए कि 100 रीडिंग्स जो है एक आ रही है, एक एक्सेप्शन आ रहा है, तो आपको दोबारा एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि ये क्यों तब्दीली आ रही है। अगर तब्दीली आ रही है तो हकीकत क्या है? तब्दीली होती है या हम, ये हमारा जो हाइपोथेसिस है सही है या गलत है, इसको देखा जाता है। साइंस का इल्म एक ज़खीरा भी है, जिस तरह से मैंने कहा कि किताबों में जो है साइंस का इल्म ज़खीरा करके लिखा जाता है, ये ज़खीरा तो है। और इल्म के हुसूल और इसकी पाकिजगी का तरीका भी, तरीका अमल भी, यानी इसको पाकिजा किस तरह से किया जाता है, मज़ीद उसके अंदर इंफॉर्मेशन चेक करके इस तरीके को पाकिजा भी किया जाता है। फिर उसके अलावा जो है साइंस कॉग्ने ने बहुत सिंपल डेफिनेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि साइंस मुसलसिल मुशाहिदात, ऑब्जर्वेशंस, तजुर्बात, एक्सपेरिमेंटेशन, इस्तेमालात और सबूत के ज़रिए खुद को और कायनात को समझने का तरीका है। देखिए यहाँ पर खुद इंसान है और इंसान के अलावा जो चीज़ें हैं वो कायनात का हिस्सा हैं। इन तमाम चीज़ों को समझने का तरीका है किस तरह से? मुशाहिदा से, तजुर्बात से, इस्तेमालात से और सबूतों के ज़रिए। इन चीज़ों को इस्तेमाल करके बहुत सिंपल है डेफिनेशन इनका, याद रखने के लिए बिल्कुल आसान है। साइंस, ग्रीस ने कहा है कि साइंस एक तरीके तहकीक है। यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आ गया? जी सर, जी सर। हाँ, साइंस का नेचर क्या है? आपको क्या लगता है कि क्या साइंस का नेचर होगा? तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूँ, आप बताएं। बताइए। साइंस एक सोच फिक्र का नाम है, एक तर्ज फिक्र का, सोचने के तरीके का नाम जो है साइंस कहलाता है। और मुनज़्ज़िम तर्ज इक्तिसाब है। जब आप तालिबे इल्म को पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप उसकी थ्योरी भी पढ़ाएंगे, उसका एक्सपेरिमेंट भी पढ़ाएंगे, सिस्टमेटिक वे में उसको चीज़ें पढ़ाएंगे। पहले वो चीज़ें पढ़ाएंगे जो उसके माहौल में मौजूद हैं, फिर वो चीज़ें पढ़ाएंगे जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं। तो इस तरह से मुनज़्ज़िम तर्ज़ इक्तिसाब जो है साइंस है। साइंस एक जहद मुसलसिल है। एक बार पढ़ लिया, एक गाड़ी तैयार कर ली, एक एरोप्लेन तैयार कर लिया, एक कंप्यूटर तैयार कर लिया, मुकम्मल हो गया नहीं। साइंस में लगातार मुसलसिल जहद रहती है, जद्दोजहद रहती है, और लगातार साइंस न रुकने वाला सिलसिला है। हाँ, जिस तरह से पिछले डेफिनेशन में बतलाया है कि लामतनाही सिलसिला है, लगातार चलने वाला। साइंस हरकियाती है। इसमें जो है हरकियाती इसलिए है कि स्टैटिक नहीं है। जो फाइंडिंग आज है कल उसके को रद्द भी किया जा सकता है, कल उसमें मज़ीद एडिशन भी हो सकता है। जैसे पहले यह समझा जाता था कि रोशनी खत मुस्तकीम में सफ़र करती है, अगर इसको लें तो ये हकीकत भी है, खत मुस्तकीम में सफ़र करती भी है। इसीलिए तो
इन आताफ इन आकाश जो है हमें देखने में मिलता है, यानी रोशनी जो है टकरा कर वापस भी आती है, रोशनी पानी में या किसी और सतह में जाके मुड़ भी जाती है, और इसीलिए चीज़ें हाइट अलग अलग नज़र भी आती हैं, ये एक प्रिंसिपल है। लेकिन साथ में ये भी देखिए कि रोशनी अगर इस तरह से खते मुस्तकीम में सफ़र करती है तो सूरज निकलने से पहले यानी सूरज हमको नज़र आने से पहले समा क्यों रोशन हो जाता है, सूरज डूबने के बाद और मज़ीद देर तक हमें चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं, यानी कुछ ऐसा निज़ाम भी है जो रोशनी न पहुँचे तब भी जो है वहाँ से हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। जिस तरह से देखिए सूरज की रोशनी घर के बाहर गिरती है लेकिन घर के अंदर भी तो रोशनी आती है, अगर सूरज की रोशनी डायरेक्ट अगर रेज के तौर पर पहुंच रही है बाहर, तो बाहर का हिस्सा ही रोशन होना चाहिए था, घर का अंदरूनी हिस्सा क्यों रोशन हो जाता है। तो यहाँ पर कोई और भी तरीका काम कर रहा है, यानी सारे आपके कुलिये और उसूल आरजी होते हैं, उसकी जगह पर दूसरे कुलिये भी पेश किए जा सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि साइंस को करके, साइंस हमें ये साइंस की एक माहियत और नेचर ये है कि हम किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे अमावस का दिन कब आएगा, हाँ फिर जो है हिलाल कब नज़र आएगा। यही वजह है कि देखिए सऊदी और मुख्तलिफ गल्फ कंट्रीज़ में जो है पहले से वो डेट फिक्स करते हैं कि कब रमज़ान शुरू होगा। हमारे यहाँ पे तो ये रिवाज है कि हम जो है हिलाल को देखकर ही रमज़ान की आमद का ऐलान करते हैं और रोज़ों का अहतमाम करते हैं, इसी तरह हमारी ईद होती है, लेकिन उनकी फिक्स्ड है क्योंकि साइंस जो है पेशन गोई करते हैं। एक उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है हेली, एक साइंसदान थे, उन्होंने जो है ये कहा था कि एक कॉमेट जो है नज़र आएगा आसमान में पर्टिकुलर प्लेस पर पर्टिकुलर जगह 76 साल बाद नज़र आएगा, उन्होंने कुछ कैलकुलेशन करके बतलाया था। 76 साल शायद उनकी उम्र भी नहीं रही होगी या वो इंतकाल कर गए होंगे, लेकिन 76 साल के बाद साइंसदानों ने ये ज़रूर देखा कि वो कॉमेट जिसके बारे में उन्होंने कहा था 76 साल बाद उस जगह पर पर्टिकुलर जगह पर नज़र आया। इसी तरह से सूरज ग्रहण चांद ग्रहण की भी पेशन गोई कर सकते हैं, और साइंस मुसलसल हासिल करदा मालूमात का ज़खीरा है। यहाँ पे जो भी मालूमात होती हैं मुसलसल हासिल करदा मालूमात का ज़खीरा है। साइंस की बुनियाद तहकीक पर है, आप जानते हैं कि तहकीक बिना जो है साइंस साइंस नहीं है, अगर वैक्सीनेशन की तहकीक ना होती तो साइंस क्या, अगर प्लेग की तहकीक ना होती तो साइंस क्या, तो इसी तरह से अगर हमल और नकल के ज़राए की तहकीक ना होती तो उसकी इम्प्रूवमेंट कैसी होती। मुशाहिदात पर है, मुशाहिदात हम लगातार देखते रहते हैं कि क्या तब्दीलियां हो रही हैं, अगर तब्दीलियां हो रही हैं तो उसके बिना पर हमारी नहीं नए उसूल और जवाबित हम तय करते हैं, और अपने हकायक पर मबनी होती है, फैक्ट्स पर मबनी होती है साइंस की तहकीक। फिर उसके बाद अगर देखा जाए साइंस की उसत, साइंस कहाँ तक आप साइंस का इमेजिनेशन कर सकते हैं, साइंस कितनी बड़ी है, जी बतलाएं साइंस में क्या क्या स्कोप है। स्क्रीन आपको नजर आ रही है जमीन जी, से लेकर आसमान तक सर। इस जमीन से आसमां तक तुम ही तुम हो, कौन है, साइंस है ना। तो साइंस जो है सिर्फ जमीन पर की चीजों का मुतालिया करना साइंस नहीं है, जमीन से लेकर आसमान तक जो भी चीजें हैं आपके पास, चरिंद परिंद हैं, पेड़ पौधे हैं, सूरज जमीन है, हवा है, हाँ फिर मादनियात हैं, फिर जो है मिकनातीस है, रोशनी है, पानी है, हाँ पानी में पाए जाने वाले जानदार हैं, ये सारी चीज़ें। मेरी स्क्रीन आपको पूरा हॉरिजॉन्टल वे में नज़र आ रही है,
आबिदा हॉरिजेंटल में, आयशा हॉरिजेंटल वे में नजर आ रही है। तो जो है कहाँ तक इस मजमून का मुतालिया किया जा सकता है? जमीन से लेकर आसमान तक इसका मुतालिया किया जाता है। ऐसी कोई शय नहीं है जो साइंस से छुपी हो। हर चीज में साइंस छुपी हुई है, हर चीज में साइंस को देखा जा सकता है। किस गहराई से इस मजमून का मुतालिया किया जा सकता है? कहाँ, कैसे मुतालिया, किस गहराई से मुतालिया किया जा सकता है? अगर आप इसकी गहराई जानना चाहें तो देखिए कि जो भी चीजें हम छू सकते हैं वो साइंस है। जैसे आप देखें कि आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, आपकी आयरन बॉक्स है, आपके चेयर्स हैं, हाँ, आपके पेड़ पौधे हैं, ये सारे आप छू सकते हैं। आप नमक टेस्ट कर सकते हैं, शुगर टेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें भी जो हैं आप इसका भी मुतालिया कर सकते हैं। आप खुशबुएं सूंघ सकते हैं, बदबू देख सकते हैं। तो इसको भी आप साइंस के जरिए, यानी आज़ाए खमसा, पांच आज़ाए हिस जो हैं आपके, इन तमाम का इस्तेमाल करके जो भी आप स्टडी कर सकते हैं वहाँ तक साइंस का मुतालिया मुमकिन है। ठीक है, लेकिन क्या चांद पर आप जाकर छू सकते हैं? मरीख पर आप जाकर बैठ सकते हैं या वहाँ पे स्मेल देख सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? क्या खुर्दबीनी अजसाम को आप देख सकते हैं? देखा जा सकता है क्या? नहीं सर, नहीं माइक्रोस्कोप सर, नहीं सर। नहीं देखा जा सकता। तो ये साइंस का कैसा हिस्सा हो गया? क्या ये सादा मुमकिन है माइक्रोस्कोप कि देख सबके सकते घर हैं, देखा जा माइक्रोस्कोप वगैरह के जरिए से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के जरिए से देखा जा सकता है, टेलीस्कोप के जरिए से देखा जा सकता है, सही है ना? जी सर। रोबोटिक्स के जरिए ऑपरेशन किए जा सकते हैं, सैटेलाइट के जरिए कंट्रीज को देखा जा सकता है, लेजर के जरिए जो है किसी भी चीज की गहराई को नापा जा सकता है। और अगर सैटेलाइट आप छोड़ें चांद पर या मरीख पर, तो वहाँ के हालात का मुतालिया किया जा सकता है। रोबोटिक्स के जरिए वहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी या वहाँ पे पाए जाने वाले धातुओं के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। यानी आपके आज़ाए खमसा और उनकी तौसी के जरिए जो भी मालूमात हासिल की जा सकती है वो साइंस कहलाता है। ठीक है, आप साइंस का स्कोप देखिए, अपने माहौल से मुतालिक सारे का सारा स्कोप मौजूद है। हो सकता है कि आपके माहौल में पेड़ पौधे जानदार जानवर जो भी मौजूद हैं उन तमाम का मुतालिया आप कर सकते हैं। ठीक है, और आज का दौर साइंसी दौर है जिसमें ज़िरात हो या सेहत हो या तिब हो या तहजीब हो या आपकी रूहानियत के बारे में हो, हर चीज जो है साइंस की उसअत को जाहिर करता है। अगली स्लाइड आपको नजर आ रही है, इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस। नहीं सर, नजर आ रही है क्या? पहली वाली नहीं आ सर उसकी सर, नजर थोड़ी नहीं आ रही सर, थोड़ी हाफ आ रही, नहीं आ थोड़ी रही सर। स्लाइड नहीं से नहीं आ रही है नजर। नहीं सर, सर नहीं आ रही, साइंस नहीं आ रही, तो सर नहीं आ रही सर। स्कोप ऑफ साइंस के साथ हेडिंग आ रही बस। अच्छा, साइंस की अहमियत, स्क्रीन छोटी नजर आ रही है आपको? साइंस की अहमियत आप नजर लोग आ रहा है भी सर जिनसे खाली। करे तो उनका सर जी सर स्क्रोल अप कीजिए हेडिंग सर। नजर आ रही सर आपको? अब नजर आ रहा है? नहीं सर अभी भी नहीं। नहीं सर, और नहीं सर सर, आइंस्टाइन के मुताबिक साइंस के बगैर दुनिया अंधी और थोड़ा दुनिया के स्क्रॉल कीजिए बगैर, सर उसको। मैंने ये किया है, जूम करके रखा है, हो सकता है डेटा की वजह से आपको नजर नहीं आ रही होगी। तीन स्लाइड्स एक साथ आ रहे सर, जी तीन स्लाइड्स एक साथ आ रहे सर। अच्छा साइंस की अच्छा हाँ जानकारी हाँ पे, साइंस की माहियत, साइंस की वसत, साइंस
साइंस की अहमियत नीचे चले गया। ओके ओके, एक पेज नहीं आ रहा। अच्छा मैं थोड़ा सा दोबारा लॉग इन करता हूँ। हाँ जस्ट होल्ड। ओके अब नजर आ रहा होगा आपको। जी सर। साइंस की अहमियत के बारे में अगर हम देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपके बुक में लिखा गया है। सिर्फ साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ तक आप जहन में रखिए। साइंस को जो है फिजिकल साइंस के तौर पर यहाँ पे मैं नहीं ले रहा हूँ। आइंस्टाइन ने कहा है कि साइंस के बगैर दुनिया अंधी है। साइंस नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं मालूम कि ज़मीन घूम रही है, क्या आसमान घूम रहा है, बारिश अपने आप हो रही है, बारिश किसी प्रोसेस का जरिया की वजह से होती है। और दुनिया के बगैर साइंस भी लंगड़ी है, यानी अगर दुनिया ही नहीं है तो साइंस किस काम की। तो कितना खूबसूरत इन्होंने कहा है कि साइंस के बगैर दुनिया अंधी है और दुनिया के बगैर साइंस लंगड़ी है, यानी दोनों का एक दूसरे के लिए होना ज़रूरी है। एक अंधा और एक एक आँख वाले का भी होना ज़रूरी है और एक चलने वाले का भी होना ज़रूरी है चलने के लिए। तो साइंस और सेहत के दरमियान जो रिश्ता है उसकी अहमियत है उन्होंने इस तरह से लिखा है कि दिख है, यरकान है, हैज़ा, अमराज कल्ब, सर्जरी में तरक्की, दिल का ऑपरेशन, गुर्दों की पेवंद, COVID-19 की वैक्सीन की तैयारी वगैरह जो है, ये चीज़ें साइंस और सेहत के दोनों के रब्त को जाहिर करती हैं। यानी साइंस होने की वजह से जो है हमारे लिए सेहत की इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर साइंस न होती तो न जाने इस तरह की बीमारियां कितना कहर बपा करती कर चुकी होती। तो साइंस की वजह से ये फ़ायदेमंद चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। साइंस और ज़िराअत में देखिए कि कीमियाई खाद, जरासीम का अशिया, अद्वैयात, दोगली नस्ल के बीज, फिर सिंचाई के जदीद तरीक़े और ज़िराअत में जदीद आलात का इस्तेमाल, फिर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन, मवेशियों की बेहतर नस्ल कशी, दूध की पैदावार में तेज़ी से इजाफा, फसल को बेहतर तरीके पर उगाना, मछली पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्म, सेरिकल्चर, ये इतनी सारी चीज़ें ज़िराअत के अंदर जो है आप देखेंगे तो खूब सारी चीज़ें जो है साइंस की मरहूने मिलत मिन्नत है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं और साइंस की अहमियत इसी वजह से हमें नज़र आती है। अगर रसल व रसायल को अगर देखा जाए तो दुनिया हमें एक आलमी गांव, ग्लोबल विलेज कहते हैं ना हम लोग, तो दुनिया एक आलमी गांव हुआ है। आजकल आपके भाई बहन, आपके माँ बाप या आपके रिश्तेदार कोई ना कोई बाहर है। बाहर होने के बावजूद भी ऐसा है कि वो आपसे जुड़े हुए रहते हैं, या तो फ़ोन के ज़रिए, या तो आने जाने का एरोप्लेन के ज़रिए तो चलता रहता है। तो ये ग्लोबल विलेज इसी तरह मुमकिन हुआ क्योंकि जो है साइंस में इतनी तरक्की हुई है। हमल और नकल के ज़राइयों की तरक्की, खलाई जहाज़ों के ज़रिए चांद पर कदम रखने के बाद मरीख पर भी ज़िंदगी बसाने की कोशिश में है इंसान। देखिए कि कितना एम्बिशियस है, अब तो उसको लगता है कि चांद पर वो फतेह हासिल कर चुका है और मरीख पर भी ज़िंदगी बसाने का बसाना चाहता है। इसीलिए शायद टेस्ला के ओनर ने कहा है कि मैं चांद को एक स्टेशन के तौर पर यूज़ करूँगा ताकि मरीख में जाना आसान हो जाए। जैसे मरीख पर जा रहे हैं तो चांद पर थोड़ी देर रुक कर चाय वगैरह पी कर, जैसे ट्रेन जाती है ना, थोड़ी देर रुक कर वहाँ पे उतर कर पैसेंजर्स को थोड़ा रिलैक्स करके फिर आगे मरीख पर वो पहुँचाना चाहते हैं। तो इतनी तरक्की हो गई है। इसके अलावा टेलीविज़न, वायरलेस, रेडियो, फैक्स, इंटरनेट, ईमेल,
मोबाइल, इंटरनेट के जरिए, ई बुक्स, ई बुक्स, ई लाइब्रेरी, ऑनलाइन मरीज के ऑपरेशन में बैरूनी नामवर सर्जनों से रबता, ये सारी चीज़ें देखिए कितनी सारी चीज़ें जो है साइंस की मरूने मिलत हैं और जो है साइंस की वजह से हमें हासिल हो रही हैं। इसके अलावा भी अगर देखें आप, इंडस्ट्री और साइंस में भी रब्त है, जो है चमड़े की सनत है, अल्कोहल की सनत है, रेशम की सनत है, इनकलाबी तब्दीलियाँ, ऐसे सनतों में इनकलाबी तब्दीलियाँ हुई हैं न सिर्फ इन चीज़ों में बल्कि बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, टेलीविज़न का, रेडियो, कंप्यूटर, प्रिंटिंग, हाँ मशीन, इंटरनेट की इजादत, बेशुमार तरक्कियाँ जो हैं साइंस की अहमियत को हमें पेश करती हैं। इसके साथ भी हमने देखा है कि साइंस और माहौल में भी एक दूसरे पर इन्हेसार है। साइंस की वजह से तरक्की ज़रूर हुई है लेकिन आलूदगी भी उतनी ही ज़्यादा हुई है। हमने अपने रिवर्स को गंदा किया है, हमने अपने जंगलात को काटा है, हमने एक इतनी गाड़ियों की आवाज़ कर रखी है कि एक दूसरे को जाके आप सिग्नल पे रुक जाएं तो आपको पता चलेगा कि सामने वाला हट नहीं सकता, उसे हटने की जगह नहीं है, लेकिन पीछे से आप आलूदगी जो है लगातार चलती रह रही है। तो आबी आलूदगी, फिजाई आलूदगी, सूती आलूदगी, ये तो है, लेकिन हमें एहसास भी ज़रूर है कि हमारे माहौल का तहफ्फुज़ हम किस तरह से करें। इसलिए जो है ये अहमियत को जाहिर करता है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा साइंस की साख्त के बारे में बतलाना चाहूँगा। साइंस में कौन कौन सी चीज़ें आप पढ़ते हैं? साइंस के आपके मवाद को आप थोड़ा सा जहन में रख के बतलाएं कि क्या क्या पढ़ा जाता है आपके वहाँ पर। क्या क्या पढ़ाया जाता है? वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाते हैं जी सर। और जी सर, जंगल, जमीन, जमीन के बारे में पढ़ाते हैं, आबोहवा, आलूदगी, टेक्नोलॉजी भी सर। हाँ, यानी देखिए कि साइंस को दो साइंस का जब स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी साख्त किस तरह से साइंस बनी हुई है, एक तो थेरोटिकल चीज़ें हैं जो नज़रियाती तौर पर पढ़ाई जाती हैं और जो है एक्सपेरिमेंट के ज़रिए पढ़ाई जाती हैं, दो तरीके की हैं। फिर जो है इन थेरोटिकल और एक्सपेरिमेंटल नॉलेज को जो है सब्सटेंटिव स्ट्रक्चर ऑफ साइंस या साइंस की हकीकी या असली साख्त कहा गया है। फिर साइंस की एक इज्तिमाई साख्त भी है, इज्तिमाई कुल मिलाकर साख्त जो है, इसको साइंस का तरीक़ेकार क्या है, साइंस का अमल क्या है और साइंस के रवैये क्या हैं, इस तरह से सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ साइंस इसको कहते हैं या साइंस की इज्तिमाई साख्त कहा जाता है। थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि ये थियोरेटिकल नॉलेज क्या है एंड प्रोसेस जो लिखा है उसको आप भूल जाएं, थेरोटिकल नॉलेज पर ही तवज्जो देते हैं, वो गलती से रह गया है, उसको करेक्शन नहीं कर पाया मैं। थेरोटिकल नॉलेज, थेरोटिकल नॉलेज क्या है? देखिए बहुत साइंस की एक अपनी खुद की जो है ये है ओकेबलरी है। साइंस लफ्ज साइंस से मैंने शुरू किया, साइंस क्या है, जानने समझने को साइंस कहते हैं। फिर फिजिकल साइंस क्या है, जो है अपने अतराफ की आब व हवा, बेजान चीज़ों को का मुतालिया, उसकी पैमाइश को फिज़िकल साइंस कहते हैं। केमिकल साइंस किसको कहते हैं, कीमियाई अशिया का मुतालिया केमिकल साइंस कहलाता है। बायोलॉजिकल साइंस क्या है, जिंदा या जानदार अजसाम, जानदार अजसाम या अशिया का मुतालिया जो है बायोलॉजिकल साइंस कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी क्या कहलाता है, एटम किसे कहते हैं, ये बहुत सारे चीज़ें, यानी ओकेबलरी साइंस की एक अपनी ओकेबलरी है। जब तक आप उसकी ओकेबलरी नहीं समझेंगे साइंस को समझना मुश्किल है।
और ये थ्योरेटिकल है। सबसे पहले आपको इन चीजों को समझना, प्लांट क्या है, हर्ब क्या है, श्रब क्या है, इसको समझना जरूरी है। और हवा क्या है, हवा के अंदर पाए जाने वाले कौन से गैसेस हैं, गैस किसे कहते हैं, लिक्विड किसे कहते हैं, सॉलिड किसे कहते हैं, मैग्नेट किसे कहते हैं, नॉन मैग्नेट किसे कहते हैं, लाइट किसे कहते हैं, लाइट रे किसे कहते हैं, लाइट को मुख्तलिफ रंगों में बिखेरना किसे कहते हैं। तो ये ना देखिए कि ये सारे मजमू ओकेबलरी है, साइंस की ओकेबलरी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद दूसरा जो आता है कॉन्सेप्ट्स आता है, कॉन्सेप्ट एटम क्या है, फिर जो है उसके बाद जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, वाटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिर जो है एसिड क्या है, बेस क्या है, ये मुख्तलिफ तसव्वुरात हैं, ये थ्योरेटिकली समझने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद उसूल या कुलियात हैं, उसूल या कुलियात जैसे बहुत सारे साइंसदानों ने कुलियात दिए हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी लॉज अलग हैं, प्रिंसिपल्स बिगिनिंग के उसूल्स हैं, उसूल हैं जो कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद पर दिए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं उसकी आपको बतलाने की कोशिश करूँगा। लॉज हैं, उसके बाद थेरी है, थेरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थेरी ऑफ प्रोटॉन्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से पाई जाती हैं। चलिए मैं फिर उसके ऊपर आऊँगा। उसूल नज़रिया नज़रियात या थेरीज हैं, थेरी डाल्टन का एटॉमिक एटॉमिक नज़रिया, फिर थॉमसन, जे जे थॉमसन का नज़रिया, फिर इस तरह से मुख्तलिफ नज़रियात भी जो है साइंस का हिस्सा हैं जिनको सीखना ज़रूरी है। चीज़ों को समझने के लिए ये थेरोटिकल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये हो तो ही हमें आने वाली चीज़ें समझ में आती हैं। फिर उसके अलावा देखिए जनरलाइजेशन, आप किस तरह से जनरलाइजेशन की गई है, जैसे आपने पिछले जमात में कहा था मुझे कि इस्तेकराई और इस्तेखराजी तरीक़ेकार का इस्तेमाल करके आप जनरलाइजेशन करते हो, ये जनरलाइज किया हुआ मालूमात का जानना भी तालिबे इल्म को बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ कवानीन होते हैं जैसे कि न्यूटन ने दिए हैं 3 लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो ये भी जो है नज़रियाती मालूमात हैं जो होते हैं यहाँ पे, इन चीज़ों का जानना भी ज़रूरी होता है। फिर आगे चलते हैं, आगे जो है साइंस एज ए प्रोसेस, साइंस को बतौर तरीक़े अमल भी देखा गया है। अगर तरीक़े अमल के तौर पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये ज़रूर देखा जाएगा कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया जाता है चीज़ों का, फिर उसकी दर्जाबंदी की जाती है, फिर उसकी तरसील की जाती है। कोई भी चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, बगैर ऑब्जर्वेशन के कोई चीज़ आपको नहीं मालूम होगी। जैसे न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, जो है ये गिर गया, एप्पल गिर गया, ठीक है, सेब जब गिरा था उससे पहले भी गिरा होगा क्या, नहीं गिरा था क्या उससे पहले, बहुत बार गिरा होगा, सब लोगों ने उसको लेके उठा के खा लिया होगा, अगर आप और हम भी होते तो उसको खुशी खुशी खा लेते। मैंगो को भी गिरा के खाते हैं हम, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि मैंगो हम पत्थर ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं, पत्थर भी नीचे की तरफ गिर रहा है, आम भी नीचे की तरफ गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्योंकि न्यूटन ऑलरेडी सोच चुका है, इसलिए हम दोबारा सोचना नहीं चाहते। तो यहाँ पर मुशाहिदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने मुशाहिदा किया, फिर क्लासिफाई किया कि चीज़ें जो है सारी ज़मीन की तरफ ही गिर रही हैं, दर्जाबंद किया कि चीज़ें जो है ज़मीन की तरफ ही क्यों गिरती हैं। फिर साइंसदान जब उसकी क्लासिफिकेशन करता है तो दूसरों को भी कम्युनिकेट करता है। तीसरा जो स्टेप है इसमें अंदर साइंस के तरीके अमल में, कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। एक साइंसदान दूसरे का साइंसदान को या तो अपने रिकॉर्डेड तरीके से कम्युनिकेट करता है या तो ओरली इन्फॉर्म करता है, अपनी मालूम की गई चीज़ों को दूसरों तक पहुंचाता है। फिर उसकी मेजरमेंट करता है,
मेजरमेंट, समझिए कि पेंडुलम जो है, अगर 20 पेंडुलम को आप लटका दें और एक जगह खींच के उसको छोड़ दें तो कितना पीरियड लेता है, 20 के उसकी गर्दिश को आप 20 मरतबा गर्दिश करता है तो मालूम करें कि एवरेज टाइम उसने कितना लिया। यानी साइंस में पैमाइश करना भी बहुत ज़रूरी है, मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और एक तखमीना भी लगाया जा सकता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि इंसान जो है मरीख पर अपनी बस्ती बसाना चाह रहा है और हर 2 साल पर लोगों को बदल बदल कर भेजेगा। 2 साल में इसलिए बदल कर भेजेगा कि 2 साल एक ऐसा मखसूस वक्त होता है जब मरीख ज़मीन से बिल्कुल करीब में आ जाता है। अगर वो बहुत दूर चला जाए तो वहाँ तक पहुँचने तक हमें वक्त भी ज़्यादा लगेगा, अखराजात ज़्यादा होंगे, उतने हमारे पास वसाइल भी नहीं है कि वो उस किस्म के आलात हम छोड़ें। इसीलिए जो है कम से कम जो डिस्टेंस आता है उस वक्त छोड़ता है, छोड़ना चाह रहा है यहाँ से सेटेलाइट इंसान। यानी एक तखमीना एस्टिमेशन भी लगाना जो है ये साइंस का एक प्रोसेस का एक हिस्सा है। पेश कयासी, जैसे मैंने हिले के कॉमेट के बारे में आपको अभी बताया, तो पेश कयासी करना भी जो है इस अमल का एक हिस्सा है। इन्फरेंस निकालना, नताइज निकालना कि इस तरह से है तो क्या हो सकता है, जब सारी चीज़ें ज़मीन की तरफ खींचती हैं तो क्या ज़मीन में कोई ऐसी मेकनातीस मौजूद है जो सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहा है। तो एक इन्फरेंस है, एक नतीजा निकालना, फिर उसकी वजाहत करना कि जो है ये कुव्वते सकल की वजह से सारी चीज़ें ज़मीन पर गिरती हैं, तो ये जो है एक्सप्लेनेशन देते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन अगर आपके ऑब्जर्वेशन के बराबर चल रहा है तो आप जनरलाइजेशन उसकी कर सकते हैं। तो एक साइंसदान जो है इसके लिए मरबूत महारतें इस्तेमाल करता है, इंटीग्रेटेड स्किल्स। यानी सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करता है और कंट्रोल करता है वेरिएबल्स, क्या स्टडी करना है। जैसे समझिए कि प्रेशर अगर ज़्यादा हो तो वॉल्यूम कम हो जाता है। एक ऐसा सिलेंडर लें और एक पिस्टन लगाएं उस पर, पिस्टन लगा के ज़ोर से उसको दबाएं तो पिस्टन जैसे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है उसके अंदर मौजूद हवा कम होती जाती है, कम से कम रकबा होता है। यानी प्रेशर इंक्रीज करने से हवा या गैस का वॉल्यूम जो है, हजम जो है कम होता है, कम से कम होता है। जितना ज़्यादा प्रेशर उतना वॉल्यूम कम हो जाता है। अगर प्रेशर कम रखें तो हवा दोबारा वापस एक्सपांड होगी और आपका पिस्टन वापस आएगा। यानी किसी वेरिएबल को आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं या प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, और आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं वेरिएबल्स को, कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसी तरह से उन पर अमल भी कर सकते हैं, फिर मफरूजात कायम कर सकते हैं, फॉर्मिंग हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, करते हैं, फिर अपने रीडिंग्स को टैबलेट करते हैं या ग्राफ तैयार करते हैं, और ये सारे चीज़ें जो आपने की इनको इंटरप्रेट करते हैं कि प्रेशर मैंने इतना ज़्यादा किया था, पिस्टन इतना दूर आ गया, प्रेशर मैंने और ज़्यादा किया तो पिस्टन और दोबारा जब छोड़ा तो वापस और तेज़ी से पीछे आ गया। यानी इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन आपकी मुकम्मल हो जाती है। ये जो है मरबूत महारतें हैं, ये एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको अपने वेरिएबल्स को काबू में लाना, उनको ऑपरेशनलाइज करना, उन पर हाइपोथेसिस कायम करना, तजुर्बात करना, फिर ग्राफ तैयार करना, उनको इंटरप्रेट करना, तो उन पे इन्वेस्टिगेशन करना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंस का हिस्सा है। इतना सब आपने किया, करने के बाद क्या हासिल हुआ? क्या साइंस से हमें कुछ हासिल होता है? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। हाँ, क्या क्या हासिल होता है, प्रोडक्ट क्या है? हकायक तसव्वुरात उसूल नजरिया। हकायक हैं, तसव्वुरात हैं, उसूल हैं, नजरियात हैं, कवानीन हैं, ये जो है प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है,
जी सर। हकायक यानी जो जांचे जाने के काबिल हो। अब बिजली कड़कती है, साइंसदानों ने मालूम किया है कि बिजली में दो चीजें होती है, एक रोशनी होती है, एक आवाज होती है ना? सर एक्सक्यूज मी जी सर, सर। वो जी कानून बनने के लिए कुछ इतने स्टेप्स हैं क्या सर? हकायक पहले होना, तसवरात बनना, उसूल बनना, फिर हाँ नजरिया बिल्कुल बनना, बिल्कुल फिर बिल्कुल। लास्ट में कानून बनना, हाँ इसके स्टेप्स कानून हैं। जो हाँ देखिए, कानून। ये हकायक जो है सबसे छोटा है, फिर उसके बाद सॉरी उसके बाद तजुर्बात हैं, तसव्वुरात हैं, तसव्वुरात से बढ़ के उसूल हैं, उसूल से बढ़ के नजरियात हैं, नजरियात से बढ़ के कवानीन हैं। इसकी स्टेप बाय स्टेप इस तरह से चीज़ें हैं कि ये कानून को जल्दी से आसानी से उसमें तरमीम नहीं की जा सकती, जबकि हकायक जो हैं बदले जा सकते हैं, या ना थेरीज जो हैं आसानी के साथ बदले जा सकते हैं। इस तरह से जो है ये स्टेप बाय स्टेप है। हकायक जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ कि रोशनी जब बिजली कड़कती है तो एक तो रोशनी नजर आती है, एक तो आवाज़ सुनाई देती है। इसमें दो चीज़ें साइंसदानों ने कही हैं कि रोशनी जो है तेज़ रफ्तारी के साथ हरकत करती है बनिस्बत आवाज़ के। आपने सुना होगा इस बात को, है कि नहीं? जी हाँ सर। हाँ, जी सर। जी ये एक हकीकत है जिसको जांचा भी जा सकता है, जिसका मुशाहिदा भी किया जा सकता है, न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर भी। जमान व मकान कोई भी हो, इसकी तस्दीक की जा सकती है। जैसे भाप जो है 100 डिग्रीज पर भाप सॉरी पानी जो है 100 डिग्रीज पर भाप बनता है। जब बिजली कड़कती है तो पहले रोशनी आती है क्योंकि उसकी रफ्तार तेज होती है बनिस्बत आवाज़ की, आवाज़ फिर हमें बाद में सुनाई देती है। आप उसको अगर लिटरेचर के एक्सपर्ट हो तो आप ये कह सकते हो कि बिजली कड़क कर आपको इंतबाह करती है कि अभी आवाज़ आने वाली है, बिजली की कड़क के आपके पहले अलर्ट हो जाए। तो इस तरह से भी देखा जा सकता है। तसव्वुरात, तसव्वुरात को देखिए, तसव्वुरात कुछ नाम है, जैसे तसव्वुर है कि न्यूटन है, हाँ भी फिर जो है बर्की रो है, इलेक्ट्रिसिटी है, कुव्वते उछाल है। तो ये कुछ जो है तसव्वुरात हैं जिनके नाम होते हैं, जिनकी मिसाल मस्बत या मनफी तसव्वुर होता है, जिनकी कुछ खसूसियात होती हैं और जिनकी तारीफ की जाती है, तो ये तसव्वुर होता है। जैसे मिकनातीसी अशिया है, गैर मिकनातीसी अशिया है, फिर जो है रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ये कुछ तसव्वुरात हैं। और न्यूटन है, प्रेशर है, पास्कल या एक तसव्वुर है। तो ये तसव्वुरात को डिफाइन किया जाता है कि उनके कैरेक्टर्स की बुनियाद पर। फिर उसूल हैं, मैंने आपको इससे पहले बतलाया था कि उसूलों की चंद मिसालें आपको आइंदा चलकर मैं बतलाऊंगा। वो कायदा जिन पर आशिया की कारकिर्दगी मबनी होती है, जो आशिया की कारकिर्दगी में मददगार होते हैं, पेचीदा और तसव्वुरात पर मबनी होते हैं। पेचीदा होते हैं ये बनिस्बत फैक्ट्स के, बनिस्बत तसव्वुरात के उसूल जो हैं पेचीदा होते हैं। जैसे आप कहें कि पॉली का एक्सक्लूजन, पॉली का इखराजियत का उसूल, फिर आप कहें कि ऑफबो का उसूल, हंड का उसूल, तो इस तरह से जो है मुख्तलिफ उसूल जो हैं मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ उसूल होते हैं जिनको साइंस के प्रोडक्ट के तौर पर आप भी अपने उसूल इस तरह से बना सकते हैं। फिर नज़रियात कायम करना, नज़रियात देखिए वसी तौर पर वाबस्ता होते हैं, मुख्तलिफ उसूल खास मज़हर की तशरीह करते हैं। कोई भी एक स्पेसिफिक जो है मज़हर जो है फिनोमिनन है उसको जाहिर करते हैं। मज़ाहिर और हकायक इनके ताल्लुक फिर जो है वजाहत व कयास आरई में कामयाबी हासिल होती है, फिर साइंसदानों के जरिए दिए जाते हैं ये उसूल जो है, बोर्स थेरी, फिर इस तरह से और बहुत सारे थेरीज हैं, एटॉमिक थेरीज हैं, और फिर उसके बाद मिकनातिस के थेरीज हैं।
तो इस तरह से थेरीज जो है साइंसदान देते हैं उसका इस्तेमाल होता है। आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट मरहला जो है कानून है। कानून जो है आप साइंस का अमल कर चुके तब आपको कानून हासिल होता है, और अक्सर साइंसदान ही इन कवानीन को देते हैं। आम इंसान तो इन कवानीन का इस्तेमाल करके अप्लाइड करता एप्लीकेशन करता है। जिस तरह से एक मशहूर कहावत है कि अमेरिका इंग्लैंड और मुख्तलिफ ममालिक जो है कवानीन तैयार करते हैं, जैसे एक्शन और रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट, यानी आप जितना चीज़ को पर एक एक्शन करोगे उतना ही, जैसे हवा को आप पीछे की तरफ ढकेलोगे तो हवा आपको आगे की तरफ ढकेलेगी। इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है साइंसदानों को, बैठ के इस अमल को करना पड़ता है और एक कानून बनाना पड़ता है जैसे न्यूटन ने बनाया। लेकिन जब आप देखें कि ये कानून तैयार हो गया तो उसको कहावत ये मशहूर है कि अमेरिका और इंग्लैंड जो है कवानीन बनाने पर पैसा खर्च करती है और जापान उसका इस्तेमाल करके चीज़ें प्रोडक्ट बनाता है। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि गुब्बारे में आपने हवा फुल भर दी, अब हवा को छोड़ दिया, गुब्बारे का जो है वो सिरा जिसमें से आपने हवा भरी थी उसको छोड़ दिया, तो यह हवा जोर से पीछे की तरफ जाती है और जो मौजूद वहाँ पे हवा मौजूद है वो गुब्बारे को आगे की तरफ ढकेलती है। हवा पीछे की तरफ ढकेल रही है चीज़ों को, ये एटमॉस्फेयर में जो हवा मौजूद है हम माहौल में हमारे अतराफ वो जो है गुब्बारे को आगे की तरफ ढकेलती है। इसी बेसिस पर जो है सैटेलाइट बनाए गए हैं जो नीचे की तरफ गैसें छोड़ती हैं और ऊपर की तरफ हरकत करती हैं। तो यानी एक्शन और रिएक्शन का इस्तेमाल, इन कवानीन का इस्तेमाल करके चीज़ें भी हम बना सकते हैं। ये साइंस के प्रोडक्ट्स हैं सर जिनका इस्तेमाल। जी हाँ जी हेलो हेलो सर, इसमें से बोलिए। एक भी कुछ भी नहीं रहा तो कानून नहीं बन सकता सर। सर इसको स्क्रीन को नीचे कीजिए ना थोड़ा सर। ओके 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 हेलो, इसमें से मतलब हकायक तसव्वुरात उसूल और नजरिया के एक इसमें से एक भी नहीं रहा तो कानून नहीं बन सकता, क्या पूछ रहे? इन पांचों भी जरूरी है क्या? देखिए सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। अभी जी जी आप हाँ कोई भी कानून बनाते हैं, जैसे जी एक न्यूटन का एक खुलिया है इनर्शिया, कोई भी चीज़ अपने आप हरकत नहीं कर सकती जब तक कि उस पर बाहरी कुव्वत अमल ना करे। ठीक है, कुव्वत क्या जी है? एक तस्वुर है। हाँ फिर जो है शय क्या है? एक हकीकत है, एक बेजान चीज़ है। न हरकत करना एक हकीकत है। तो इन हकायक और तस्वुरात का इस्तेमाल करके ही कानून बनाया जाता है, समझे आप? तो कानून को बनाने के लिए इन चीज़ों का सहारा लेते हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर ही जो है कानून बनाने में हमें मदद देती है, समझ रहे हैं? जी हाँ जी सर, समझे समझे यानी ये एक दूसरे से अलग नहीं है, ये छोटी छोटी, जैसे आप समझ रहे हैं कि एक घर बना रहे हैं, घर बगैर बुनियाद के बन सकता है क्या? बगैर दीवारों के बन सकता है क्या? बगैर छत के बन सकता है क्या? हाँ, बगैर खिड़कियों के घर बन सकता है क्या? बगैर दरवाजों के बन सकता है क्या? हर एक की अपने जगह अहमियत ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें जो हैं साइंस की साख्त को पेश करती हैं। जैसे एक घर की साख्त को दीवारें और दरो दीवार और जो है आपका छत ये घर को बनाता है, उसी तरह से ये फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, थेरीज, लॉज वगैरह जो है साइंस को बनाती हैं। ठीक है, जी सर। हाँ ठीक है सर। अब चलते हैं तबयाती साइंस की मानी, माहियत, वसअत और अहमियत। अब तक हमने साइंस के बारे में देखा, तबयाती साइंस जो है तवानाई और मादे का साइंसी इस्तेमाल, साइंसी मुतालिया है। यहाँ पर तबयाती साइंस में वहाँ पर हमने हर शय का मुतालिया किया, यहाँ पर तवानाई का, एनर्जी का और मादा यानी मैटर का साइंसी तौर पर मुतालिया हम जो है यहाँ पे तबयाती साइंस में करते हैं। और इसमें जो है मालूमात की वाकफियत और तस्दीक, मालूमात की जो है हम उससे वाकिफ होने की कोशिश करते हैं और जो वाकिफ हो चुके हैं उसकी तस्दीक करने की
कोशिश करते हैं। बेतरतीब और सिलसिलेवार हासिल किया जाने वाला इल्म है, चूँकि साइंस है, जिस तरह से साइंस तरतीब और सिलसिले से हासिल किया जाने वाला इल्म है, तबैयाती साइंस भी उसी तरह से हासिल किया जाता है। सही पैमाइश, तशरीह मालूमात, फिर कायनात को समझने का तरीका है, यानी चांद हमसे कितना दूर है, सूरज अपने से कितना दूर है, उसकी सही पैमाइश हम कर पाते हैं। फिर सूरज से जमीन तक रोशनी 8 मिनट में पहुंचती है, उसकी सही पैमाइश कर सकते हैं। उसे हम हिसाब लगा सकते हैं कि रोशनी की रफ्तार अगर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कितने 8 मिनट में कितने मीटर या कितने किलोमीटर किया कितना डिस्टेंस होगा जमीन और सूरज के दरमियान, और चांद के दरमियान कितना होगा, कायनात को समझने का। मालूमात में यहाँ पर भी जो है मुसलसल इजाफा होता है, और मुसलसल और मुनज्जम अंदाज में हासिल होने वाला इल्म है तबैयती साइंस भी। इसकी अगर नोयत आप देखें, अगला स्लाइड शायद आपको नहीं आ रहा है ना, जी सर हाँ आ गया। तो आया जो है तबैयती साइंस जो है कि नोयत अगर आप देखें तो ये एक मुनज्जम तर्ज इक्तिसाब है, ये एक सीखने का नज्म और मुनज्जम तरीका है सीखने का, और हरकियाती है, ये नहीं कि कोई मालूमात अभी हासिल कर लिया वो हतमी या आखिरी है, इसके बाद भी जो है इसके अंदर तब्दीलियां हो सकती हैं। जैसा साइंस में पेशन गोई मुमकिन है, तबैयाती साइंस में भी वो पेशन गोई मुमकिन है, दुरुस्तगी पाई जाती है। अगर दुरुस्तगी ना होती तो ये कार का टायर अगर 36 सेंटीमीटर है तो दूसरे कार का टायर कोई और कंपनी का टायर 36 मीटर का उसमें नहीं लगाया जा सकता, सेंटीमीटर का नहीं लगाया जा सकता। इसी तरह स्क्रू, अगर आपके पास कुछ इंचेस का स्क्रू है तो वो स्क्रू किसी भी कंपनी का हो उसी पैमाइश का होगा, यानी दुरुस्तगी इसके अंदर पाई जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरह से साइंस की नौईयत है, इसी तरह से इसकी बुनियाद भी जो है तहकीक पर ही है। तबीयती साइंस की औसत क्या है, औसत कहाँ तक है तबीयती साइंस? मैंने आपको साइंस के बारे में पूछा था, कहाँ तक और किस गहराई से इस मजमून का मुतालिया किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी मैटर का मुतालिया किया जा सकता है। तो मैटर का मुतालिया जो है जमीन पर भी किया जा सकता है, जमीन के बाहर भी इसका मुतालिया किया जा सकता है, ठीक है। जमीन से बाहर आप चांद पर भी कौन से मादनियात पाए जाते हैं, कौन सी गैसेस पाए जाते हैं, एक गैस में को दूसरी गैस में अगर मिलाया जाए तो क्या होगा, एक केमिकल को दूसरे केमिकल में मिलाया जाए तो क्या होगा, यानी तो इसकी औसत जो है हम इंसान इंसान के अतराफ और हमारे ऊपर जो है केमिकल्स का या दवाइयों का क्या असर होता है, इसको भी जो है तबीयत का एक हिस्सा बन सकता है इसका। और अपने हवासे खमसा और हवासे खमसा के एक्सटेंशंस औसत जो टेली आपने कहा कि माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप या हमारा सैटेलाइट या हमारा रोबोट या हमारा दूरबीन या हमारा कंप्यूटर, किसी भी चीज़ को जाकर अगर मुतालिया करे तो तबैयती साइंस की उसत हो सकती है। तबैयती साइंस हमारी ज़िंदगी के तमाम तर गोशों को मुतासिर करता है। क्या नई नई हमल और नकल की चीज़ें हमारी ज़िंदगी को मुतासिर नहीं कर रही हैं? क्या नई अद्वियात हमारी ज़िंदगी को मुतासिर नहीं कर रही हैं? क्या जो है नई नई इंडस्ट्रीज जो साइंस की देन है हमारी ज़िंदगी को नहीं मुतासिर कर रही हैं? हर चीज़ हमारी ज़िंदगी को मुतासिर कर रही हैं। तो साइंस की, तबैयाती साइंस की भी बहुत बड़ी वसअत है। हमारी ज़िंदगी, तर्ज माशरत, ख्यालात, रवैयों और अंदाज़ फ़िक्र को तब्दील करके रख दिया है। हमारी ज़िंदगी में जो भी तब्दीली देखते हैं, जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने देखा होगा कि कुछ लोग बैलगाड़ी के पर भी सफ़र कर पाए, हवाई जहाज़ पर भी सफ़र कर पाए, कुछ लोग जो है ख़त लिखकर भेजते थे तो
पहुंचने तक इतना वक्त हो जाता कि बच्चा पैदा होता तो उसका छिल्ला भी हो जाता, तब जो है तक खत नहीं पहुंचता। तो ये उसके बरक्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर डायल किया, वहाँ पर फोन रिंग हुआ। हाँ, तो इस तरह की जिंदगी भी, यानी हमारी जिंदगियों, हमारी सोच फिक्र अंदाज फिक्र को तब्दील करके रख दिया है। आज पॉलिटिशियन कहीं बैठे कुछ कह रहा है तो इमिडिएटली पूरी की पूरी मीडिया में वो बात जो है पूरे मुल्क में फैल जाएगी। तो इस हद तक जो है साइंस ने हमारी जिंदगी पर असर किया है। आज तबीयती साइंस हमारी तहजीबी और रूहानी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। यानी हम न सिर्फ के दीन व दुनिया दुनिया की चीज़ें सीख रहे हैं साइंस के फरोख के बाद, रूहानी पर्सनल जाती जिंदगी में भी साइंस का असर देखने को मिलता है। फिजिकल साइंस की अहमियत को कुछ इस तरह से देखा गया है कि तबीयती साइंस और सेहत में क्या क्या असर एक दूसरे पर होता है। जैसे रोबोटिक्स का इस्तेमाल ऑपरेशन में हो रहा है, नई अद्वैयात का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये जो है तबीयती साइंस यानी केमिकल्स में आप नया केमिकल तैयार किया, आपकी नई दवा तैयार हो गई। रोबोट को कि आपने प्रोग्रामिंग कर दी आपके घुटनों की सर्जरी करने के काबिल हो गया। आपने कुछ एक ऐसा आला तैयार किया फिजिकल साइंस में जो आपके आंत में अंदर चला जाए और आपके खून के शरीरों में नालियों में चला जाए, अगर कोई ब्लॉकेट हो तो उसको खोल दे। ये तबीयती साइंस की देन है जो सेहत में कारामद साबित होती है। तबीयती साइंस और ज़िराअत में देखिए ट्रैक्टर है तबीयती साइंस की ईजाद है, ज़िराअत में उसका इस्तेमाल हो रहा है। आपने ये भी देखा होगा, काफ़ी साल पहले मैंने देखा था, हमारे एक डायरेक्टर थे इसरो के एक प्रोजेक्ट में आए थे, उन्होंने इस तरह का आसमान में खला पैदा कर दिया। खला अगर पैदा होता है तो आप समझते हैं कि हवा का प्रेशर कम हो जाता है, जहाँ हवा का कम प्रेशर हो गया वहाँ बादल उस तरफ आ गए ताकि उसको पुर कर सकें। उस हवा के प्रेशर को पुर कर दिया, फिर उसको ठंडा करने से बारिश हो गई। तो यानी देखिए कि तबीयत में उन्होंने एक तरीका ईजाद किया कि प्रेशर कम, कोई बम फोड़ा फिर वहाँ पे प्रेशर कम हो गया, बादल आ गए उसको ठंडा किया, बारिश हो गई, ज़िराअत पर असर हो गया। लेकिन कॉस्टली प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंट्स तो जब आप करते हो तो कॉस्ट का यहाँ पर नहीं देखा जाता है। फिर तबीयती साइंस का असर जो है हम लोग नकल पर भी हुआ है। इससे पहले भी मैंने साइंस में डिस्कस करते वक्त आप लोगों से इसके बारे में जिक्र किया। तबीयती साइंस के इकतसाबी इकदार हैं, इकतसाबी तौर पर क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए इकदार उसको कहते हैं वैल्यू। अगर आप समझिए कि आपके घर में आपने कोई एक नई बाइक खरीदी तो लोग पूछेंगे क्यों बाइक खरीदी, क्या फ़ायदा है इसका। तो आप कहेंगे नहीं, जाने आने में सहूलत रहेगी, हम फिर कुछ चीज़ें लाने के लिए जल्दी से ला सकेंगे, हम फैमिली घूम सकेंगे, तो यानी उसके कदर देखते हैं। तो इसी तरह से साइंस पढ़ाने के क्या फ़ायदे होंगे, इकदार क्या होंगे, इसके मुख्तलिफ इकदार हैं। जैसे इफादी इकदार हैं, तबीयती साइंस के फ़ायदे बहुत जगह पर होते हैं। हमने खूब देखा, ज़िराअत में देखा, हम लोग नकल में देखा, हमने बहुत सारे जगहों पर उसके यूटिलिटेरियन वैल्यूज़ देखे। इफादी इकदार बहुत जगह पर नज़र आए। जहनी कदर क्या है, जहनी कदर यानी आपकी इंटेलेक्चुअल वैल्यू क्या है। देखिए एक साइंसदान अगर साइंस में कुछ तजुर्बा करता है, हालांकि उसके जहन में कुछ और बात हो, लेकिन वो बात सही कहेगा, क्योंकि साइंस की वैल्यू ये है कि जो है उस जहन को कुशादा करती है और वो नई नई चीज़ों को जो है
समझने की कोशिश करता है, कोई बात अपने तौर पर कहने की कोशिश नहीं करेगा, कोई वहम गुमान या शगुन या बदशगुनी अपने जहन में नहीं पनपने देगा, साइंसी तरीक़ेकार इस्तेमाल करेगा और नई चीज़ें समझने की कोशिश करेगा, यानी उसका जहन ओपन हो जाएगा। इसी तरह से अगर देखें तो जो है तहजीबी इकदार भी हैं। तहजीबी इकदार जो है, हमारी तहजीब का असर जो है साइंस पर होता है, साइंस का असर हमारी तहजीब पर होता है। एक दौर ऐसा भी गुजरा है गुजरे ज़माने में जिसको डार्क एजेस कहा जाता था, जिसमें इंसान की सोच को कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी, तो इंसान ने सोचना ही बंद कर दिया, तो साइंस कैसे पनपेगी, कैसे आगे बढ़ेगी। फिर उसके बाद जो है रिनाइसेंस आया, रिनाइसेंस का दौर आया, तब इस्लामी किताबें पढ़ी गईं, इस्लाम के अंदर मुसलमानों ने जो कंट्रीब्यूशन किए साइंस में उसको पढ़ा गया। फिर उसके बाद जो साइंस ने तरक्की की, खूब तरक्की की, यानी आपके तहजीब आपका कल्चर भी जो है साइंस पर असरअंदाज होता है। एक पाकिस्तान के साइंसदान जो है मानू मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में कई दिन पहले आए थे। यहाँ पर हमारे यहाँ पे जो है हमारे मुल्क में साइंस को इस तरह से पढ़ाया जाता है कि हम न्यूटन, आइंस्टाइन, आर्यभट्टा, APJ अब्दुल कलाम सभी के कॉन्ट्रीब्यूशंस को जानने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे पाकिस्तान की साइंसी किताबें आपको इस तरह से तालीम देती हैं कि ऐसे लगता है कि साइंस में जो भी तरक्की हुई है वो मुसलमानों की बदौलत ही है। यानी हमारा कल्चर भी है जो है साइंस पर असरअंदाज होता है, और साइंस भी जो है हमारे कल्चर को असर करती है। यही वजह है कि देखिए कि यूनानी, आयुर्वेदिक, सिद्धा, ये तहजीब के हिस्से हैं जिसमें जो है आज यहाँ पर हिंदुस्तान में रिसर्च होती है। फिर जो है हमारे अतराफ पाई जाने वाली चीज़ें जो हमारे तहजीब का हिस्सा बन जाती हैं, जैसे जड़ी बूटी है, मौसम है, जोग्राफियाई हालात है, हमारा रहन सहन है, कपड़े पहनना, हमारे मकानात, हम किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से बनने चाहिए, मौसम किस तरह से है तो किस तरह से बनने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे तहजीब का हिस्सा हैं, और इसी लिहाज से जो है साइंस पढ़ाया जाता है, साइंस की कदर है। अखलाकी इकदार भी हैं, जिस तरह से एक कहावत है सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सच्चाई अच्छाई है और खूबसूरती है। तो जो है इसका मतलब है कि साइंस हमें सच्चाई सिखाती है, सच जानना सिखाती है, जो है कि अच्छा भी है, और वो जो है अच्छा भी है और हमें खूबसूरती भी देती है। और इसके अलावा जमालियाती इकदार, एस्थेटिक वैल्यू, सूरज की तपिश में भी ये खूबसूरती है, परिंदों की चहक में भी ये खूबसूरती है, प्लांट्स के कलर में भी एक खूबसूरती है, चांद के 14वीं के चांद में भी एक खूबसूरती है, हिलाल में भी एक खूबसूरती है। तो जो है ये तबैयाती साइंसदान समझ सकता है कि किस में क्या खूबसूरती है, तो उसकी साइंस पढ़ाने की, तबैयाती साइंस पढ़ाने की ये एक कद्र है जिसकी वजह से पढ़ाया जाना चाहिए। पेशावराना इरदार, पेशावराना इरदार जो यानी हमें ये बताती है कि कोई भी पेशा जो है साइंस, तबैयाती साइंस के बुनियाद पर ही है। आप चाहे डॉक्टर का पेशा लो, आप चाहे ज़िरात का पेशा लो, डेयरी फार्मिंग का लो, सेरीकल्चर का पेशा लो, बहुत सारे पेशा, आप एक टीचर हैं तो भी साइंस के, फिजिकल साइंस के टीचर हैं तो आपका पेशा भी जो है इस फिजिकल साइंस से अछूता नहीं रहेगा। यानी इसकी तबैयाती साइंस पढ़ाने की पेशा वराना इकदार भी हैं। डिसिप्लिनरी वैल्यू, डिसिप्लिन या नज्म व जब्त, कमरे जमात का नज्म व जब्त अलग होगा, मैथमेटिक्स पढ़ने का नज्म व जब्त अलग होगा, लैंग्वेज पढ़ने का नज्म व जब्त अलग होगा, और फिजिकल साइंस पढ़ने का नज्म व जब्त अलग होगा। जैसे फिजिकल साइंस में मसाइल का हल, फैसला साजी, तनकीद, गौर व फिक्र, जिम्मेदारी,
ये कुछ चीजें हैं जो आपको मजमून आपको सिखाता है। ये अगर आप इस मजमून में हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको मसाइल के हल करने का तरीका बतलाएगा, फैसला सही है या नहीं गलत है ये लेने का आपके अंदर सलाहियत पैदा करेगा, किसी भी चीज को तनकीदी गौर व फिक्र के जरिए करने की सलाहियत आपके अंदर पैदा करेगा, और आपको जिम्मेदारी देने का मौका देगा कि आप सही प्रेजेंट कर रहे हो या गलत प्रेजेंट कर रहे हो, आप उसका जिम्मेदारी लें। फिर मुश्किलात, सब्र और तहमुल, मेहनत और जुस्तजू भी जो है आपका एक डिसिप्लिन का एक हिस्सा बन जाएगा। अगर कोई अच्छी चीज़ आपके सामने पेश करे तो तबीयती साइंसदान होने के नाते उसको उसका एहतराम भी करेगा और सच्ची लगन के साथ अपना काम करने की कोशिश करेगा, रास्तबाजी पर कायम रहेगा। ये एक डिसिप्लिन की वैल्यू है जो बच्चे के अंदर पैदा होती है तबीयती साइंस पढ़ने से। उसके अलावा नफ्सियाती इकदार भी हैं तबीयती साइंस पढ़ाने के। तबीयती साइंस पढ़ाने से जो है ये करके सीखने वाला तरीका है, यानी अमली तजुर्बात पर मबनी तरीक़ाकार है। अमली तजुर्बात करना यानी नफ्सियात के उसूल के ऐन मुताबिक हैं। अगर नफ्सियात आपको बच्चे के तिफ्ल मरकूज तदरीस हो तो इससे बेहतर क्या तदरीस होगी। तो साइंस तबीयती साइंस पढ़ाने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है, और यहाँ पर तहकीकी व तख्लीकी रुझान में बढ़ावा होता है और बच्चे को खुद एतमादी बढ़ जाती है। तो ये कुछ इकदार हैं जिनकी बुनियाद पर जो है साइंस का पढ़ाया जाना, तबीयती साइंस का पढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है। इस स्लाइड को मैं चाहूंगा कि आप लोग ही बताएं कि क्या क्या कोरिलेशनशिप है साइंस के दूसरे मजामिन के साथ, तबीयती साइंस के। रियाजी क्या से रियाजी के है, सतल? हैतिया जी से है, दवाई साइंस का रियाजी से बाहर क्या बिल्कुल, ताल्लुक है? हाँ, क्या ताल्लुक दवाई है साइंस तबीयती का साइंस का दवाई और रियाजी का? कोई ताल्लुक है दोनों में? है सर, बताएं कहाँ कहाँ रियाजी इस्तेमाल होता है वो तबीयती साइंस फॉर्मूले में? जाबते अक्स करना है कुछ भी तो कुलियात के लिए सर। फासले मालूम करना है, जैसे फासले मालूम करना है, रफ्तार मालूम करने के लिए, रफ्तार मालूम करने के लिए, बैलेंस इक्वल करने के वास्ते, मुतवाजन करने के वास्ते भी सर। वहाँ बैलेंस इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, मसावात, जी सर, कीमियाई मसावात में। जी, हाँ जी, जसामत मालूम करने के लिए, वजन, दर्जे हरारत मालूम जी करना, मालूम करने के लिए डेंसिटी जी मालूम करना जी तो ये कुछ सर, प्राथमिक एग्जांपल्स हैं। सर, तजुर्बा करने, तजुर्बे खाने में भी यूज होता सर, इसको इतना ग्राम लिए, इतना लिए, सिफर बिल्कुल पा बिल्कुल 1.5 ग्राम लिए सही सही सही, हाँ। तो ये पैमाइश कुछ, के लिए। हाँ, पैमाइश के लिए, तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पर जो है तबई साइंस का रियाजी से ताल्लुक है दोनों में। यानी ताल्लुक का मतलब ये है तबई साइंस का रियाजी में ताल्लुक हो और रियाजी में जो है तबई साइंस का भी इस्तेमाल हो। इसी तरह से हयातियात में कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? हवाई तरकीब का हयातियात अमल में, ऐसा रहता ना सर, फोटोसिंथेसिस, हाँ, फोटोसिंथेसिस में, तजुर्बात में तजुर्बात में इस्तेमाल होता है, ऑपरेशन सर्जरीज के लिए सर, उसके आलात बनाए तो उसके लिए। आलात बनाने में। जी, और अद्वियात बनाने आपको के लिए सर, अद्वियात अद्वियात मेडिसिन्स, बनाने के लिए, अद्वियात के अद्वियात लिए बनाने मेडिसिन के में सर, लिए मेडिसिन में मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता है। जी, आंख की बनावट आपने सुनी होगी, कैमरे के जैसे होती है। जी हाँ सर। मेरा क्या है? जी अफरोज बोले, तो ये कुछ जगह पे आपने बीपी को मेजर किया होगा। हाँ, जी सर, बीपी जी बीपी बीपी का, हार्ट बीटिंग हाँ का, हाँ
शुगर की रेटिंग के स्टेथोस्कोप, बारे में, पल्स रेट शुगर का। शुगर की रीडिंग के बारे में आपने सुना होगा। तो यानी इस तरह से देखें तो हयातियात, तबई साइंस और हयातियात का एक दूसरे के से ताल्लुक है। तबई साइंस और समाजी उलूम, आपको लगता होगा कि दोनों मुख्तलिफ हैं, कैसे एक दूसरे में रिलेशनशिप हो सकता है क्या तारीख में कोई हिस्ट्री के रिलेशनशिप लिए हो है? सकता है, जोग्राफिया में मैप्स के लिए, जी जोग्राफिया मैप्स जोग्राफिया के में लिए, मैप्स की पैमाइश के लिए हुए, जोग्राफिया में, फिर जो हिस्ट्री बिल में, जोग्राफिया मैप। जी, नहीं तारीख में, तारीख के याद रखने के लिए सर, इसी में सर, आबो आप हवा, तारीख को याद रखने के लिए। जी, माहौलियाती मुताले के कॉमर्स के लिए, इक्वेशंस के लिए सर, मौसम के बारे में मालूम करने, जलजले जो जमीन के बारे में मालूम करने के लिए, साइंस ही। जी, जलजले के बारे में। तो फिर इस तरह से बहुत सारे जगह पे, जैसे देखिए साइंस की अपनी तारीख भी तो होगी, जिस तरह से मैंने राइट ब्रदर्स के बारे में बतलाया। और देखिए कि हमारे एक साइंसदान थे होमी जहांगीर बाबा, जिनके बारे में आप पढ़ेंगे कुछ। मैं इधर उधर आप लोगों को होमी जहांगीर बाबा, अब्दुल कलाम और सीवी रामन, आर्यभट्टा के बारे में बीच में इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि उनके बारे में भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं वीडियो दिखाने वाला था, वीडियो दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लगातार 3 घंटे का क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, आपके लिए बोरिंग रहेगा एक जैसा होगा। तो मैंने वीडियोज रखे थे, लेकिन वीडियो प्ले करूँगा तो आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, मसला वो है। तो जो है सर आप शेयर कर दीजिए, हम लोग देख लेते, सर हमको शेयर कर दीजिए ना, हम यूट्यूब पे देख ग्रुप लेते में सर, डाल वो दीजिए ना सर, ग्रुप में ग्रुप में बतलाता डाल हूँ, मैं दीजिए ना बतलाता सर। हूँ बतलाता हूँ बतलाता हूँ। हाँ, तो जो है हर एक की तारीख है। जैसे होमी जहांगीर बाबा के बारे में मैं कह रहा था, वो आज़ादी से पहले जो है वो हालांकि टाटा के रिलेटिव्स थे, तो वो जब फॉरेन में पढ़ने गए तो वो इंजीनियर नहीं बनना चाहते थे, माँ बाप के इसरार पर इंजीनियर बने। फिर न्यूक्लियर साइंस में उनका इंटरेस्ट आया, वो वहीं रहकर पढ़ रहे थे, फॉरेन में रहते थे, लेकिन अचानक उनका आना हिंदुस्तान हुआ, जंग छिड़ गई। देखिए जंग छिड़ना तारीखी वाकया है, लेकिन साइंसदान की ज़िंदगी पर भी असर करता है। वापस दोबारा नहीं जा सके तो वापस दोबारा नहीं जा सके तो यहीं रहे हिंदुस्तान में, उन्होंने जो है एटॉमिक एनर्जी पे काम किया। इसी तरह आइंस्टाइन, आइंस्टाइन जो पैदा हुई है जर्मनी में पैदा हुई है, जर्मनी जो है नाजीज आ गए तो सारे जो है यहूदियों को वहाँ से निकाला गया, मारा गया, जिलावतनी करनी पड़ी, बाहर जाना पड़ा। तो एक साइंसदान तारीख का भी उसके ऊपर असर होता है, उसने मुल्क बदर हो गए, वो दूसरे मुल्क में जाकर रह गए, तो उन्होंने वहाँ जाके ऐसे ही इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर की इक्वेशन दी जो एटम बम बनाने का बास बनी। एटम बम जो है गिराया गया जापान पर और जो है पूरा मुल्क तबाह बर्बाद हो गया। तो यानी देखिए कि साइंस की का असर साइंस सॉरी तारीख का असर साइंसदान पर भी होता है, और साइंसदान जो है तारीख पर भी एक असर छोड़ जाता है। जैसे जोग्राफिया हालात के बारे में आपने बतलाया, एक सोनम वांगचुक जो है एक साइंसदान है जो जम्मू में रहते हैं, सॉरी लद्दाख में रहते हैं, जिनकी फिल्म जिनके ऊपर एक फिल्म बनी थी 3 इडियट। तो सोनम वांगचुक जो है अभी भी एक्टिव हैं, तो उन्होंने जो है वहाँ टेम्परेचर इतना कम होता है कि मिलिट्री वाले रह नहीं सकते हैं, तो उन्होंने एक इस तरह की एक टेंट बनाई जिसके अंदर एक जगह से रोशनी आए और वो गर्म हो जाए टेंट। तो टेंट जब गर्म हो जाता है हल्की सी रोशनी में भी, दिन भर गर्म हो जाता है, तो रात की शिद्दत की ठंडी में भी बगैर स्पेशल सूट के मिलिट्री वाले रह सकते हैं। तो एक साइंसदान जो है नई चीजें तैयार करके, वैसा एक कैबिन तैयार करके मुल्क के नौजवानों के लिए भी जो है मुल्क के जवान के लिए भी पेश कर सकता है। जैसे कहा गया है कि पहिए की ईजाद, पहिया यानी सर्कल या व्हील की ईजाद ने जो है इंसानी जिंदगी में एक इनकलाब पैदा कर दिया था, जिसकी बदौलत आपके गाड़ियां हैं, बहुत सारी चीजें आई। तो ये भी एक जो है एक हिस्टोरिकल इवेंट हो गया।
तो इस तरह से ताल्लुक समाजी उलूम का और तबैयाती साइंस का भी रहा है। क्या तबैयाती साइंस का और जुबान का कोई ताल्लुक है? जुबान, जुबानदानी, चाहे आप उसको उर्दू कहें, अंग्रेजी कहें, तेलुगु कहें, कन्नड़ा, मराठी या तमिल कहें, जो भी कहें, जुबान से कोई ताल्लुक है? हाय सर, मेरे ख्याल से तो नहीं है सर। हाय हाय सर, हाय सर, जुबान ही तो जरूरी है ना सर, ये नजरिया आपको हाय पेश करने के लिए साइंस हाँ, के। जरूरी जुबान बहुत जरूरी है, क्योंकि है। आपने ये देखा कि साइंसदान सिर्फ अपनी फाइंड आउट नहीं करता, बल्कि उसको फाइंड आउट करने के बाद जो है उसको दूसरों तक पहुंचाना भी जरूरी होता है। पहुंचाने का तरीका ये होता है कि या तो ओरल पहुंचाए, या तो रिटन फॉर्मेट में पहुंचाए, या तो सेमिनार में प्रेजेंट करें। जस्ट मैं कुछ वक्त ब्रेक लेना चाहता हूँ, कोई थोड़ा सा सिस्टम गर्म हुआ है, आप लोग थोड़ा पानी पी लें, फिर ज्वाइन होते हैं। हाँ जी सर, ठीक, 10 मिनट्स 5-10 मिनट्स 10 मिनट्स। सर, लिंक बंद मत कीजिए सर, ये लिख रहे हैं। जी, लिंक रहेगा, लिंक रहेगा। सिस्टम गर्म हो गया है सर, साहब का 3 घंटा यही खिलाफ है, 1 से 5 घंटे।
अस्सलाम वालेकुम, शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, शुरू करिए। अच्छा, एक आप लोगों से दरख्वास्त है, जब मैं प्रेजेंटेशन करूँगा तो अगर कुछ टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर, जैसे अभी मेरा हॉटस्पॉट गर्म हो गया था तो मुझे बंद करना, थोड़ी देर रोकना पड़ा, अगर इस तरह से डिसकनेक्ट हो जाता है या हॉटस्पॉट
या डेटा ख़त्म हो जाता है तो क्लास वहीं पर रोक देंगे। तकरीबन अभी पिछले दो घंटे से हम लोग क्लास चला रहे हैं, और जहाँ तक डेटा साथ देगा मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूँगा, ठीक है जी? हाँ सर। बाद दरमियान में आपको कोई सवाल लगे पूछना तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? समझ में तो आ रहा है जो भी मैं बोल रहा हूँ? जी सर, हाँ सर, अच्छी तरीके से। थैंक यू, थैंक यू। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। अब मैंने लैंग्वेज का आप लोगों को पूछा था, लैंग्वेज का आप बता रहे थे कि डिसकंटिन्यू करना पड़ा। आपने कहा कि साइंसदान अपने तजुर्बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करता है ना? जी सर, जी सर। और कुछ? और कुछ? विंग्स ऑफ फायर आपने पढ़ी है? नहीं पढ़े विंग्स ऑफ सर क्या है, कुछ जानते हैं इसके बारे में? जी। अब्दुल कलाम जी की है एक आजाद की किताब। बुक है ना सर? हाँ, अब्दुल कलाम कौन थे? साइंटिस्ट साइंटिस्ट थे, साइंस साइंटिस्ट थे, साइंसदान। तो उनकी लिखी हुई किताब है, यानी उनके रोज़मर्रा की चीज़ों में क्या मुश्किलात आए, कैसे आसानियाँ रहे हैं, क्या 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 हुआ, वही तो लिखे होंगे ना? जी हाँ सर, जी सर, मिसाइल मैन थे, जी सर, यानी मिसाइल जो है आग की लपेटों से जो है ऊपर की तरफ प्रवास करता है ना, विंग्स ऑफ फायर है ना? जी सर। तो उन्होंने जो लिखा है वो, यानी लिखना जो है जुबान में है, और जुबान की चाहे कोई साइंस या अदब लिखे, कोई साइंसदान अपनी सवाने हयात लिखे, कोई साइंसदान अपनी इजादात के बारे में लिखे या फिक्शन लिखे, ये साइंसी अदब फिक्शन और सवाने हयात और इजादात इजादात के बारे में जो भी आर्टिकल हैं ये जुबान का हिस्सा है, लेकिन साइंस दान लिखता है तो इसलिए साइंस का हिस्सा भी इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है? जी तबीयती साइंस का फ़नून लतीफ़ा से बाहमी ताल्लुक। फ़नून लतीफ़ा क्या है? फाइन आर्ट्स में ताल्लुक है क्या? हाय सर। कैसे? आपके बैच ने बताया था या कोई और बैच ने बताया था, एक बच्चा जो है रॉकेट बनाया था छोटे, और कोई बच्चा इंजेक्शन का इस्तेमाल करके जो है एक क्रेन बनाया था, है ना? व्हाट्सएप में आपने देखा होगा इन वीडियोस को। हाँ, वीडियोस फोटोज में देखे सर, देखे देखे। तो ये फाइन आर्ट्स है जो छोटी छोटी कम खर्च वाली चीज़ों का इस्तेमाल करके बच्चे तैयार कर रहे हैं, फाइन आर्ट्स हैं, लेकिन जो है साइंस की मालूमात देती हैं। तो दोनों में दस्तकारी है, ड्राइंग है, अश्काल है, खाका है, चार्ट चार्ट है, ग्राफ तो है, है या मॉडल बनाना है, मॉडल हाँ डांस भी हो सकता है, तो ये फाइन आर्ट का हिस्सा है, लेकिन जो है साइंस में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है? आप शक्ल बना के किसी साइंसी चीज़ को पेश कर सकते हैं, जैसे हार्ट है, या आई का मॉडल बना सकते हैं, या ग्राफ बना सकते हैं किस तरह से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, हाँ, या कोई ड्राइंग कर सकते हैं कि माहौल पर किस तरह से आलूदगी का असर हो रहा है। तो दोनों में रब्त पाया जाता है, बाहमी ताल्लुक ज़रूर है। और तबीयती साइंस का माहौलियात से बाहमी ताल्लुक, माहौलियात यानी हमारे एनवायरनमेंट पर किस तरह असर हो रहा है, क्या साइंस जो है तबीयती साइंस जो है माहौल पर असर डाल रही है? जी हाँ सर, डाल रही हूँ। डाल रही है, तो मस्बत असर भी हो सकता है, मनफी असर भी हो सकता है ना? जी सर, तो जो है ये जो भी असर होता है उसके लिए भी तहकीक ज़रूर होती है, हमारे माहौल को किस तरह हिफाजत की जाए या किस तरह साइंस में तरक्की की जाए, ये भी ताल्लुक एक दूसरे के दरमियान रहता है। फिर इसके अलावा तबीयती साइंस का सेहत के साथ ताल्लुक, हमने खूब पढ़ा,
खूब डिस्कस किया इसके बारे में, क्या क्या है तिब के मैदान में, जो इनकलाब आया है हालिया दिनों में, जिसकी वजह से एवरेज एज जो है इंसानों की बढ़ गई है, ये भी जो है तबीयती साइंस का भी असर हो सकता है, रोबोटिक सर्जरी है, थर्मो स्कैनर है, सैनिटाइजर्स, आजकल सैनिटाइजर्स जो है इस्तेमाल में आ रहे हैं, केमिस्ट्री वाले बना रहे हैं, केमिकल साइंस के डिपार्टमेंट्स। ये पहला यूनिट था जिसको हमने अब तक डिस्कस किया। अब साइंस का इर्तेका, यानी कि साइंस किस तरह से आगे बढ़ती गई, स्पेशल रेफरेंस जो है फिजिकल साइंस पे यहाँ रहेगा। साइंस के इर्तेका के बारे में देखेंगे, इसमें कंटेंट जो है थोड़ा सा मिली जुली एक ही जगह आ जाएगी, तो आप थोड़ा सा जहाँ भी हो सके मैं थोड़ा सा उसको जूम करके आपको बताऊंगा, तबीयती साइंस का इर्तेका किस तरह से हुआ है। सबसे पहले साइंस से क्या मुराद है, आप बताइए साइंस से क्या मुराद है, किसको साइंस कहते हैं, क्योंकि हमने अब तक डिस्कस किया है। तहकीक को, किसी भी जी चीज के बारे में तहकीक किसी भी चीज करना, के बारे में जानना, तहकीक करना, नई नई मालूम चीजों के करना, बारे में खोज मालूम करना, करना मालूम करना, नई पुरानी खतरा को सभी चीजें। अपनाना। तो साइंस उसकी क्या खसूसियात हैं, क्या खसूसियात हैं साइंस की? आवाज क्लियर नहीं है। साइंस की खसूसियात क्या हैं, साइंस की खसूसियात क्या हैं? ये जिंदगी के हर शोबे से जुड़ा है, वाबस्ता है। गो अहेड। हवा से खमसा से मालूमात हासिल होती हैं, क्या इन मालूमात में तब्दीली मुमकिन है, क्या इन मालूमात को इकट्ठा करके जमा करके रखा जा सकता है, क्या दोबारा देखा जा सकता है? जी हाँ सर, हाँ, ये स्कूल में जी सर, हमारे स्कूली बच्चों को हम क्यों साइंस की तालीम दें? माहौल को खुशगवार रखने के लिए नए नए इजादात के बारे में साइंस के जानने बगैर के जिंदगी बारे नामुमकिन है में। सर। साइंस सुबह से लेके शाम तक बगैर साइंस के कोई काम ही नहीं होता, कोई सोच भी नहीं हो सकती। साइंस का हमारे जिंदगी में ज्यादा दखल है, इसलिए उसकी नॉलेज भी जरूरी है बच्चों के लिए। बिल्कुल सही है। तो ऐसा अगर है तो साइंस के नाम पर इन बच्चों को क्या पढ़ाया जाए? नए नए इजाद के बारे में पढ़ाना, तख्लीक, ओके, हर सही है। रोज की तब्दीली के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को आगाह कराना, जी जी सर, बिल्कुल सही माहौल है, माहौल के बारे में रोज माहौल से मुताबिकत के कराना सर, जी रोज रोज माहौल से रोज मुताबिकत कराना। मुताबिकत कराना, माहौल से मुताबिकत कराना। तो यानी साइंस को जो है पढ़ाने के बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आप हमारे अतराफ अकनाफ की चीज़ें हैं, जो डिसिप्लिन से वाबस्ता हैं, जो तजुर्बागाह में की जाने वाली चीज़ें हैं, हर चीज़ के बारे में पढ़ाया जाना ज़रूरी है। यही चीज़ें हैं जब साइंस का काम शुरू हुआ तकरीबन 18वीं या 19वीं सदी में, तो पढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? अगर पढ़ाया जाना चाहिए तो क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, क्या साइंस की खसूसियात हैं, इन्हीं चीज़ों को देखा गया। यही चीज़ें जो है इस यूनिट का हिस्सा है, हम देखेंगे कि क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, क्या पढ़ाया जाना चाहिए। तबई दुनिया के मुशाहदात, बयानात, तहकीक व जस्तजू और इस्तेमाल के तरीकों का नाम ही साइंस है। साइंस से मुराद वो इल्म है जिसमें साइंसी नज़रियात, साइंसी कवानीन और साइंसी तजुर्बात के जरिए जांच करके सच्चाई का इजहार किया जाता है। कोई भी चीज़ अगर सच है, हकीकत है, अगर उसका इजहार करना है तो इन चीज़ों की की रोशनी में देखना पड़ेगा। साइंसी नज़रियात क्या कहते हैं, साइंसी कवानीन क्या कहते हैं, क्या बिल्ली रास्ता काट जाए तो साइंसी नज़रियात हैं कि हमारा होने वाला आने वाला दिन पूरा नर्वस होगा, या हम लोग कुछ नुकसान उठाएंगे,
क्या साइंसी नज़रियात कहते हैं, क्या साइंसी कवानीन ऐसा कहते हैं, क्या साइंसी तजुर्बात ऐसा कहते हैं, तो इन चीज़ों को जानना ही साइंसी साइंस है। साइंस की तारीख, जैसे मैं आप लोगों को कह रहा था कि बहुत सारा मवाद मैंने छोटी छोटी स्लाइड्स में दिया है। मैं थोड़ा सा, अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो थोड़ा जूम करके बता दूं, कोशिश करूंगा कि आपको नज़र आए। सबसे पहले हिस्ट्री हम देख रहे हैं यहाँ पे साइंस की, किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करती गई। साइंस जो है, दस्तकारों के इदारे का कयाम जो है 19वीं सदी में हुआ। जॉन एंडरसन ने इसका कयाम किया और उन्होंने तजुर्बाती तबैयात पर एक तकरीर की। बहुत ही थियोरेटिकल चीज़ें लगेंगी आपको, क्योंकि किस तरह से साइंस का इर्तिका हुआ, किस तरह से फिजिकल साइंस का इर्तिका हुआ, इन्हीं चीज़ों को दिया गया है। अब आप सोचेंगे तो दस्तकार साइंस से क्या ताल्लुक़ रखते हैं, क्यों उनको तजुर्बाती तबैयात पर तकरीर करनी पड़ी, ये सब आप सोच नहीं पाएंगे। लेकिन 19वीं सदी के अवाखिर में आप देखें, या तो 19वीं सदी के पूरी सदी में देखें, तो साइंस का नामो निशान नहीं था। तो उस वक्त साइंस के बारे में कोई तो आगाही करे, कोई तो इनिशिएटिव ले, तो ये चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल थी। 1823 सन ईस्वी में ग्लासगो में मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट का कयाम अमल में आया। 1866 सन ईस्वी में इसे तरक्की देकर फनी कॉलेज का नाम दिया गया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिलोसॉफिकल सोसाइटियाँ कायम हो गई। 1847 सन ईस्वी में पहली बार सिटी ऑफ लंदन स्कूल, मैं जो भी चीज़ें कह रहा हूँ मैक्सिमम आप वेस्टर्न बिलखसूस इंग्लैंड, हाँ उस तरह के कंट्रीज को ध्यान में रख के सोचे कि 1847, उस वक्त तो हमारे यहाँ पर शायद यूनिवर्सिटीज भी नहीं बनी थी। उस वक्त जो है लंदन स्कूल में अमली कीमिया के असबाक शुरू किए गए, रॉयल कमीशन की रिपोर्टों को पेश किया गया। फिर जो है स्कूल में साइंस की तदरीस के बारे में कुछ कहा गया कि 1847 सन ईस्वी में कि स्कूल में साइंस पढ़ाया जाए। यहाँ तक कि रग्बी स्कूल, एक उस खसूसी स्कूल्स होंगी, रग्बी स्कूल्स में नेचुरल साइंस को पढ़ाने पर जोर दिया गया। एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर आर्नाल्ड, उन्होंने तबीयत को पढ़ाने पर जोर दिया 1837 सन ईस्वी में। फिर उसके बाद नबातियात, इल्मे कीमिया और अर्जियात को 1859 सन ईस्वी में पढ़ाने के लिए कहा गया। 1853 सन ईस्वी में साइंस और आर्ट का शोभा कायम आया हुआ। शायद स्क्रीन आपको नहीं शेयर हो रहा है। फिर 1853 में साइंस और आर्ट का शोभा कायम किया गया। फेराडे, माइकल फेराडे ने भी जो है साइंसी जाविये नजर नज़र के से पढ़ाई करने के लिए कहा। फिर जो है 7वीं दहाई में, यानी 1870 के पीरियड में, हक्सले ने साइंस की तदरीस के सबसे बड़े हामी के तौर पर वो नज़र आए। साइंस पढ़ाया जाना चाहिए, और ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी में नेचुरल साइंस, उस वक्त साइंस नहीं था, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस इस तरह से नहीं था, नेचुरल साइंस की तालीम के इजाफे ने सानवी स्कूलों में भी साइंस की रफ्तार, तालीम की रफ्तार को और ज़्यादा तेज़ कर दिया। चूँकि यूनिवर्सिटी में नेचुरल साइंस आ गया, तो यहाँ पर भी स्कूलों में भी साइंस पढ़ाया जाने लगा। फिर जो है सानवी स्कूलों में साइंस की तदरीस की सूरत हाल का पूरा जायज़ा डेवनशायर कमीशन ने लिया। 1890 सन ईस्वी में उसका एक रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में तदरीस साइंस के को स्कूलों में दाखिल करने की दुश्वारियां उन्होंने बताई, और ये भी कहा कि सारी पब्लिक स्कूल्स और इमदाद पाने वाली यानी एडेड स्कूल्स में औसतन 6 घंटे साइंस की तालीम हो,
यानी 5 दिन या 6 दिन जो भी वर्किंग आवर्स होते हैं, औसतन 6 घंटे, यानी हर दिन आप साइंस को पढ़ाएं। पहले तो पढ़ाना मुमकिन नहीं था, फिर आप पढ़ाने को कहा गया, पढ़ाने के बाद कम से कम 1 घंटा तो डेली पढ़ाने के लिए कहा गया। उसके लिए उन्होंने कहा कि स्कूलों में तजुर्बा गाहें होनी चाहिए। जब साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस सिर्फ थियोरेटिकल ना पढ़ाएं, जबकि तजुर्बा गाहें भी बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि लड़कों को तबैयात और कीमिया पढ़ाएं, हाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाएं, और लड़कियों को जो है नबातियात पढ़ाएं, फूल पत्तों का जो है लड़कियों को पढ़ाएं। इस तरह उस दौर का तस्वीर था। फिर उसके बाद साइंस और दूसरे मजामिन में पब्लिक इम्तिहान भी कराने के लिए कहा गया। सोसाइटी ऑफ आर्ट्स लंदन 1852 में इसकी रुकनियत के 1852 सन ईस्वी में इसके रुकनियत भी दी गई लोगों को। फिर उसके बाद ये अच्छी आर्मस्ट्रॉन्ग एक एजुकेशनिस्ट भी हैं और तनकीद निगार भी हैं, तफ्तीश निगार भी हैं। तो ये अच्छी आर्मस्ट्रॉन्ग, जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने ह्यूरिस्टिक तरीके तदरीस ईजाद किया। शुरुआत में उन्होंने जो तरीका दिया गया था, अब भी आज भी हम हमारे तलबा को पढ़ाते हैं। जब आपको मैं मेथड्स ऑफ टीचिंग आपके साथ डिस्कस करूंगा तो वहाँ पर बताऊंगा कि ह्यूरिस्टिक तरीक़ेकार क्या है जो यची आर्मस्ट्रांग ने दिया है। 19वीं सदी में के अवाखिर में दिया था उन्होंने, यानी 1800 जो भी है, 1819-20 इस तरह से, सॉरी 1880-90 में जो है उन्होंने दिया था अवाखिर में, लेकिन अभी तक वो राइज है। 20वीं सदी के इब्तिदा यानी 1914 से 18 तक जब आलमी जंग चल रही थी, तो तब तमाम ममालिक को ये महसूस हुआ कि साइंस की कितनी अहमियत है और साइंस की अहमियत और उसको पढ़ाने के बारे में जुस्तजू और ख्वाहिश सभी के दरमियान पैदा हो गई। थॉमसन रिपोर्ट ने तालीमात में नेचुरल साइंस का हिस्सा, आला कोर्सों का इजाफा, असातिजा की एसोसिएशन और साइंस पढ़ाने वाले उस्तानियों के एसोसिएशन बनाने के लिए उन्होंने कहा। 1944 का एजुकेशन एक्ट अप्रैल 1945 में नाफिज हुआ, जिसकी बदौलत साइंस की तदरीस में इजाफा हुआ, अगरचे मतलूबा हद तक नहीं। आज जिस तरह से साइंस पढ़ाया जाता है 2021 में, उस तरह से नहीं तो कम से कम साइंस की तदरीस में इजाफा ही हुआ। अब हमारे मुल्क की तरफ थोड़ा सा रुख करते हैं, देखते हैं कि जब इस तरह से साइंस की तरक्की दुनिया जहां में हो रही थी तो हमारे यहाँ पर किस तरह के हालात थे, क्या तरक्कियां यहाँ पे हो रही थी साइंस के इस्तेमाल को लेकर। 19वीं सदी के आगाज में स्कूली निसाब में जनरल साइंस दाखिल किया गया और 1948 सन ईस्वी में 1948 सन ईस्वी जब आज़ादी हिंदुस्तान को मिली, तो उस वक्त सबसे पहले एक राधा कृष्णन कमीशन, एजुकेशन कमीशन बनी, जिनका मेन मकसद जो है हायर एजुकेशन था। उस कमीशन को कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन किस तरह से इम्प्रूव की जानी चाहिए, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन अगर इम्प्रूव करना है तो स्कूल एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट भी ज़रूरी है। अगर स्कूल एजुकेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं तो स्कूलों में जनरल साइंस की शमूलियत बहुत ज़रूरी है, उन्होंने कहा। फिर उसके बाद 1947 से 1952 तक इब्तदाई सतह पर भी साइंस पढ़ाने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद आया मुदलियर कमीशन। मुदलियर कमीशन जब आई तो मुदलियर कमीशन ने ये कहा कि साइंस को एक मजमून के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए, लाजमी तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए, न कि इख्तियारी तौर पर। 1956 में एक कुल हिंद मुजाकिरा बराए तदरीस साइंस, एक मुजाकिरा हुआ यानी सेमिनार का इनाकात किया गया। उस में उन्होंने कहा कि किस तरह के चीज़ें पढ़ाई जाएं, माहौल पर मबनी मौजूदात, ज़िंदगी पर मबनी मौजूदात और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुतल्लिक मौजूदात जो है बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए। फिर उसके बाद जो है
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का कयाम, ये जो हम एनसीईआरटी के नाम पे जानते हैं, एनसीईआरटी का कयाम जो है 1961 में हुआ। उसके बाद एनसीईआरटी ने एक डिपार्टमेंट ही खोल लिया साइंस और रियाजी से मुतल्लिक, और वहाँ पर जो है यूनेस्को की टीम आई, उन्होंने बताया कि कौन से मज़मून क्या किन चीज़ों को पढ़ाया जाना चाहिए। अब चलते हैं कोटारी कमीशन। 1961 में जब एनसीईआरटी का कयाम अमल में आया, कोटारी कमीशन उसके बाद बनी। तो कोटारी कमीशन को जो है आप एक बहुत बड़ी बाइबल के तौर पर लें, जिन्होंने एजुकेशन के बारे में मुख्तलिफ सलाह मशवरे किए हैं, मुख्तलिफ सलाह मशवरे किए हैं। तो इब्तिदा में उन्होंने कहा कि 10 सालों में लाजमी तौर पर साइंस पढ़ाया जाना चाहिए। प्राइमरी सतह में गर्दोपेश में जो अतराफ अकनाफ होते हैं चीज़ें बच्चों के, जैसे जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, फिर जो है नदी तालाब हैं, उसके बारे में मालूमात देने के लिए कहा गया। अपर प्राइमरी पर उन्होंने कहा कि मालूमात के हुसूल के तरीके, जैसे मिनतकी तौर पर सोचना, लॉजिकल थिंकिंग, नतायज व आखज करना, हाँ इन्फ्रेंस निकालना और फैसला लेना, इन चीज़ों को पढ़ाने के लिए कहा। फिर सेकेंडरी सतह तक उन्होंने पहुँच कर कहा कि लोअर सेकेंडरी में साइंस को ज़ाती मज़मून के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए, तरक्की देना चाहिए, जैसे तबैयात, कीमिया और हयातियात को एक डिसिप्लिन के तौर पर पढ़ाने के लिए उन्होंने कहा। उन्होंने कोटारी कमिश्नर ने ये भी कहा, देही इलाकों में चूंकि ज़िरात और काश्तकारी होती है, वहाँ के मजामिन रखें, शहरी इलाकों में चूंकि टेक्नोलॉजी की चीज़ें पाई जाती हैं, टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक मालूमात रखी जाएं। तो दोनों जगह अलग अलग तरह का माहौल और पाया जाता है, तो अलग अलग तरह का निसाब होना चाहिए, साइंस पढ़ाया जाना चाहिए और मुख्तलिफ तौर पर। फिर तदरीस के तरीक़ों में जिद्दत, वाइब्रेंसी लाने के लिए कहा उन्होंने, तहकीक की रसाई और बुनियादी उसूलों के फहम, तहकीक किस तरह से किया जाना चाहिए और बुनियादी उसूलों को समझा कर किस तरह से देना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने कहा कि होना चाहिए। असातिज़ा को तहकीक की तर्ज रसाई किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, इसके लिए रहनुमा मवाद फराहम करने के लिए उन्होंने कहा। और साथ में ये भी कहा, चंद तलबा बहुत ज़हीन होते हैं, साइंस चूँकि ज़हानत से मुतल्लिक मज़मून है, तो इसमें निसाब में लचक होना चाहिए ताकि ज़हीन तलबा को मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स करने, मालूमात हासिल करने की गुंजाइश हो, ये कोटारी कमीशन ने कहा। उसके बाद 1973 में 10+2 पैटर्न ऑफ एजुकेशन, अब तो आप लोगों को 10+2 पैटर्न मालूम है, पूरे इंडिया में राइज है, लेकिन उस वक्त 10+2 पैटर्न राइज नहीं था, तो उसको राइज किया गया। इब्तदाई सतह पर माहौलियाती मुतालिया, मिडल सतह पर मरबूत मुतालिया, इंटीग्रेटेड मुतालिया किया गया। और श्री ईश्वर भाई पटेल कमेटी ने 1977-79 में जो प्रपोजल था 1973 में, उसको राइज करने के लिए कहा। फिर एनसीईआरटी ने कौमी निसाब बनाया, कौमी निसाब बनाए इब्तदाई और सानवी तालीम, लेकिन इसका पेशरू यानी 10+2 का पैटर्न जो पेश किया गया था ईश्वर भाई पटेल कमेटी ने, वो उसका पेशरू रहा, पहले वो आया, उसके बाद जो है हमारी 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। फिर उसके बाद एनसीईआरटी ने खूब काम किया है साइंस एजुकेशन में, इन्होंने वर्कशॉप करवाए, सेमिनार करवाए, निसाब की तश्कील दी, स्कूली असातिज़ा कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ मौजूआत के माहिरीन, मुख्तलिफ पेशा वाराना इदारों के असातिज़ा, मुअल्लिमीन, रियासती नुमाइंदे और माहिरीन वगैरह इसमें शामिल रहे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पर साइंस पढ़ाई नहीं जाती थी, उसको राधा कृष्णन कमीशन ने पढ़ाने के लिए कहा, मुदलियार कमीशन ने कहा, एनसीईआरटी ने कोशिश की, कोठारी कमीशन ने कहा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी, एनसीईआरटी ने उसको अमली जमा आखिर में पहनाया। इस तरह से अगर आप कुल हिंद मुजाकिरा जो तारा देवी में, तारा देवी एक मुकाम है
हिमाचल प्रदेश में 1956 में जब वहाँ पर हुआ मुजाकिरा, तो उन्होंने किन चीज़ों पर गौर किया? तदरीस के सारे पहलुओं पर गौर किया उन्होंने, निसाब तालीम कैसा हो, साइंसी सामान वालात और दिगर ज़रूरियात क्या क्या हैं जिनको जिनका प्रोविज़न होना चाहिए, इम्तिहानात का तरीका कैसा होना चाहिए, साइंस की तदरीस में माविन अशिया के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया, फिर दूसरे मुतलिका मौजूद जैसे निसाबी किताबें, साइंस क्लब, साइंस के अजायब खाने, इन तमाम चीज़ों का उन्होंने डिस्कशन किया। पूरे यहाँ पर मुजाकिरे में कहा गया कि पूरे मुल्क में मखसूस और एकसानियत रखने वाला निज़ाम तदरीस होना चाहिए, न कि विलेजेस के लिए अलग, सिटीज के लिए अलग। लेकिन यहाँ पर ये महसूस किया गया इसी दौरान कि एजुकेशनिस्ट कुछ चाहते हैं, पार्लियामेंट कुछ चाहती है, कानून पार्लियामेंट बनाती है, तो क्या किया जाए? एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पर सारे लोग मिल बैठ के डिस्कस करें कि साइंस पढ़ाया जाए तो कैसे पढ़ाया जाए, क्या क्या कमजोरियां हैं जिनको जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो 1961 में जब एनसीईआरटी कायम हुई, लाल बहादुर शास्त्री की क़यादत में एक कमेटी कायम हुई, तो उन्होंने महसूस किया, इस कमेटी ने महसूस किया कि स्कूलों के तलबा की तादाद में इजाफा होना चाहिए ताकि उनको सभी को साइंस की मालूमात मिले। सनद याफ्ता और बासलाहियत असातिज़ा की कमी है, हमारे पास काबिल असातिज़ा कम है, तो असातिज़ा भी होने चाहिए, साइंस के असातिज़ा भी होने चाहिए। साइंस की तेज़ रफ्तार तरक्कियां हर जगह देखने में मिल रही है, तो हमारी साइंस हमारे यहाँ पर भी पढ़ाया जाना ज़रूरी है। फ़नी तरबियत याफ्ता अशखाश की तादाद में इजाफे का मुतालबा उन्होंने किया, स्किल डेवलपमेंट पर उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया, इंसानी मामलात में साइंस की बढ़ती हुई अहमियत को उन्होंने महसूस किया, साइंस के अवामिल और मकासिद में तब्दीलियाँ, मकासिद को पढ़ाने के मकासिद में तब्दीलियाँ क्या क्या करना चाहिए उसको देखा, नौजवानों की तालीम के लिए ज़रूरी निज़ाम, मदारिस की साख, मवाद मजमून के बारे में मुख्तलिफ मुफक्किरीन के नुक्ते नज़र से उन्होंने बहुत सारे सलाह मशवरे दिए। उसके बाद यूनेस्को की कमेटी 1961 में जब एनसीईआरटी आया था का क्याम हुआ, उसके बाद यूनेस्को की कमेटी की विजिट भी हुई और उन्होंने साइंस की निज़ाम की तरक्की के लिए भी बहुत कुछ कहा। अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये स्लाइड आप अगर कॉपी करना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक, क्योंकि मैं अरस्तु के कंट्रीब्यूशंस को, फिर कोपरनिकस के कंट्रीब्यूशन को और न्यूटन के कंट्रीब्यूशन को आप लोगों को वीडियो दिखाना चाह रहा था। वो बेहतर होता अगर मैं वीडियो दिखा पाता आपको, तो ये सर हमको ग्रुप क्योंकि में भेज दो ना सर, देखिए मैंने जो हम ना एक वीडियो बार लिया है, नजर दे। हाँ इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने YouTube से ही छोटे छोटे वीडियो लिए जिसको मैं शेयर करना चाह रहा था, अब मेरे पास नहीं है। आप क्या कीजिए, YouTube में चेक कर लीजिए, अरिस्टोटल, कोपरनिकस, न्यूटन और आइंस्टाइन, इनके साइंसी खिदमात क्या हैं, ठीक है? सर्च फॉर ओके सर, देख लेते सर्च सर। सर्च फॉर वीडियो कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ अरिस्टोटल टू साइंस, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोपरनिकस टू साइंस, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूटन टू साइंस, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आइंस्टाइन टू साइंस, ठीक है? ठीक है सर, अब बस आप छोटे वीडियो देख लें, जैसे अरस्तु जो है यूनान में थे 384 कब्ल मसीह, यानी ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश से पहले थे। उन्होंने मादे को क्या कहा, कि आब, आतिश, खाक, बाद, यानी पानी, आग, जमीन और हवा, इसको मादा कहा, साकिन कहा, और इसके अलावा जो भी है उसको कहा उन्होंने हयत या क्वाइट एसेंस से बनी हुई है कुदरत।
फिर उन्होंने कहा कि कायनात कुर्रवी शक्ल में है, और उन्होंने कहा कि अरस्तु ने कहा कि दो तरह की हरकत होती है, ये एक तो सीधी होती है और दूसरी दायरवी होती है। जमीनी अजसाम या तो सीधे चलते हैं, ऊपर चलते हैं, या नीचे चलते हैं, जो उन्होंने देखा। मुझे लगता है कि मेरा डेटा 90% तक जा रहा है, और हो सकता है कि कट हो जाए। फलकी अजसाम उन्होंने कहा कि दायरवी, जो चांद सूरज और दूसरे सैयारे हैं, वो दायरवी शक्ल में हरकत करते हैं। उन्होंने जब सूरज की तरफ देखा तो सूरज ऐसा गोल गोल घूम रहा है, तो उनको लगा कि ये दायरवी हरकत कर रहे हैं। उनको हयातियात से बहुत गैर मामूली दिलचस्पी थी। फिर कोपरनिकस के बारे में अगर कहा जाए तो कोपरनिकस जो है पोलैंड में रहते थे, और 1400 1473 में वो पैदा हुई है। फिर वो कहते थे कि जमीन सूरज के अतराफ गर्दिश कर रही है। कोपरनिकस से पहले लोग समझते थे कि सूरज जमीन के अतराफ गर्दिश कर रहा है, लेकिन जो है अब पता चला कि जमीन जो है सूरज के अतराफ गर्दिश कर रही है, ये कोपरनिकस ने कहा। फिर जो है लेकिन वो मदारों को वाजा नहीं कर सके। मदार जैसे जमीन घूम तो रही है, लेकिन कैसे घूम रही है? जैसे अभी कहा जाता है कि इलेप्टिकल बैजुवी दायरे में घूम रही है, तो वो उस वक्त नहीं बतला सके कोपरनिकस। ये था। फिर न्यूटन, न्यूटन के बारे में तो आप समझिए कि साइंस के टेंडुलकर हैं, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। 1643 ईस्वी में लंकाशायर यानी इंग्लैंड में पैदा हुई है। वो फिजिसिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, फिर उनको एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी थी, फिलॉसफी जानते थे, केमिस्ट्री जानते थे, हरफन मौला थे। उन्होंने जो क्लासिकल मैकेनिक्स पर जो किताब लिखी वो काफ़ी मशहूर किताब थी। मैं कई बार आपको जिक्र कर चुका कि कुव्वते कशिश, कशिश शक्ल का कानून उन्होंने दिया, और तीन लॉज ऑफ मोशन जो कवानीन हरकत कहलाते हैं बहुत मशहूर है। एक लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कोई चीज़ जैसी है वैसी रहेगी, हरकत नहीं करेगी, जो हरकत कर रही है वो हरकत ही करते रहेगी, इनर्शिया। फिर उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ को हरकत करना है तो उस पर कुव्वत का असर होगा। एफ इज इक्वल टू एमए का उन्होंने फॉर्मूला दिया। एक्शन और रिएक्शन के बारे में बतलाया, और उन्होंने ऑप्टिक्स के बारे में किताब लिखी, इनाताफ नूर, जिसमें जिक्र है इनाताफ नूर और इनाकाश नूर के बारे में, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। फिर उन्होंने न्यूटोनियन मैकेनिक्स, कैलकुलस और न्यूटोनियन मेथड के बारे में उन्होंने कहा। उनके सबसे हैरत में डालने वाली चीज़ें उनके लॉज ऑफ मोशन हैं। लॉज ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दिए थे, तकरीबन 300 साल तक उनके लॉज जो है कवानीन छाए रहे साइंस में। उसके बाद दूसरे लॉज आए, तब तक तो उनके ही लॉज छाए रहे। उसके बाद साइंसदान जो हैं, सबसे अहम साइंसदान हैं आइंस्टाइन। आइंस्टाइन तो आप जैसे जानते हैं बचपन में बहुत कमज़ोर साइंसदान के स्टूडेंट के तौर पर देखा गया उनको, लेकिन वक्त के बदलते बदलते जब मैं किताब का आपकी किताब का मुताले कर रहा था, उसमें देखा कि 26 साल की उम्र में उनको नजरिया इजाफत उन्होंने दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश किया, और इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बुनियाद पर उनको नोबेल प्राइज दिया गया। उन्होंने कहा ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, मादा और तवानाई बाहमी तौर पर तब्दील कर सकते हैं, मादे को तवानाई में तब्दील कर सकते हैं, तवानाई को मादे में तब्दील कर सकते हैं, इन्होंने कहा। और अपने नज़रियात जैसे खला की खमीदगी को पेश किया, और रियाजी से इसे साबित भी किया। बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हैं आइंस्टाइन में। हमारे महात्मा गांधी के कंटेम्प्रेरी भी रहे वो, महात्मा गांधी की और उनकी मुलाकात भी हुई थी शायद इंग्लैंड में। तो आइंस्टाइन को बहुत इंटेलिजेंट शख्स माना जाता है, जैसे कि हम एजुकेशन में जानते हैं
कि आईक्यू की मदद से अगर जाने तो उनको बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है। फिर इसी तरह से मैं चाहूँगा कि आप इसका स्लाइड का भी एक स्नैपशॉट ले लें, ताकि आप जो है इन साइंसदानों के, हिंदुस्तानी साइंसदानों की खिदमत के बारे में भी आप जान सकें। जैसे आर्यभट्ट हैं, भास्कराचार्य हैं, सीवी रामन हैं, यस चंद्रशेखर हैं, होमी जे बाबा हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं। कुछ चीज़ें मैं अगर हो सके तो बताऊं आपको या इनके बारे में। जैसे आर्यभट्ट हैं, हिंदुस्तान की एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि हमारे सैटेलाइट्स जो इंडिया ने लॉन्च किए, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य, यानी साइंसदानों के नाम पे रखे, न कि देवी देवताओं के नाम पे। ये बहुत अच्छी बात हिंदुस्तान में हुई। आर्यभट्ट को माना जाता है कि पटना के करीब में कुसुम पे पूरा एक इलाका है जहाँ पर पैदा हुई है, और 23 साल की छोटी उम्र में आर्यभट्टम, अक्सर लोगों को आप देखिए कि कम उम्र ही थे, चाहे वो विवेकानंद हो, आर्यभट्ट हो, बाबर हो, बहुत सारे लोग कम उम्र में ही उनके होनहार होने के सबूत मिले। चाहे इकबाल हो, 6 8 6 8 साल की उम्र में उन्होंने शेर पढ़ा था, मोती समझ के शाने करीमे ने चुन लिए, जो शेर था इकबाल ने पढ़ा था। इन्हें कम उम्र में इतना टैलेंट उस जमाने में पाया जाता था। और हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी 13 साल की उम्र में उन्होंने जो मजमून लिखा था, उनको कोई साहब मिलने के लिए आ गए तो खैरुद्दीन, क्या नाम था उनका, मिलने के लिए आ गए तो पूछे कि खैरुद्दीन है, मैं मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने बिठाया, बोलिए क्या काम है। नहीं बेटे, आपसे नहीं, मैं आपके वालिद साहब से मिलना चाहता हूँ। तो बोले कि वाली साहब तो नहीं है। क्या क्या बात थी? मौलाना आजाद ने पूछा, क्या बात थी जो आए थे घर मेहमान? तो उन्होंने बोला कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है आपके वाली साहब का, मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ, इसलिए मिलना चाह रहा हूँ। तब उन्हें पता चला कि वो उनके वाली साहब ने आर्टिकल नहीं लिखा, मौलाना आजाद ने लिखा है। यानी हिंदुस्तान में कम उम्र में भी बहुत मायाना शख्सियत गुजरे हैं। तो आर्यभट्ट लिखा इन्होंने, आर्यभट्ट ने 23 साल की उम्र में। वो समझते थे कि चांद जो है सूरज की रोशनी से चमकता है, जो कि साइंसदानों ने बाद में प्रूव भी किया। और उन्होंने ये भी बताया कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण किस तरह वाकया होते हैं। और उन्होंने खला में सैयारों के सही मुकाम का तयन भी किया, भट्टिया ने। फिर जो है ये भी बताया कि सैयारे जो है बैजवी मदार पर घूमते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। फिर उन्होंने जमीन का मुहित, सरकमफ्रेंस मालूम किया, जो कि एक्यूरेट कैलकुलेशन से बहुत ही करीब करीब है। उन्होंने साल कितने दिनों का, कितने सेकंड का होता है उसको भी मालूम किया, वो भी लगभग जो है मौजूदा दौर के हिसाब से ही है। और पाई की कीमत, पाई 22/7 जो होता है, उसकी कीमत मालूम की उन्होंने। फिर जो है साइन के बारे में उन्होंने कहा, जमीन अपने महवर पर घूम रही है इसके बारे में भी उन्होंने बतलाया। सैयारे सूरज के अतराफ खास वक्त में घूमते हैं, इसके बारे में भी बतलाया। इल्मे नजूम और रियाजी में भी उन्होंने काम किया। ये थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बाद भास्कराचार्य, भास्कराचार्य के बारे में ये माना जाता है कि भास्कराचार्य टू हैं, और भास्कराचार्य टू कर्नाटका के शहर बीजापुर, जो कि आजकल विजयपुर रहा है, वहाँ पैदा हुए। उनके वालिद भी माहिर फलकियात थे, लेकिन उनके ये भास्कराचार्य के इंतकाल के बाद 1207 में, 1144-14 में पैदा हुए थे, 1207 में इंतकाल कर गए। तो उनके पैदा होने के बाद उनके काम का मुतालिया करने के लिए एक इंस्टीट्यूट 1207 में ही कायम किया गया। 1207 में अभी मुगल डायनेस्टी शुरू नहीं हुई थी, गौरी सल्तनत या इस तरह से कुछ, या तो बाबर ने हमला किया होगा, इस तरह से कुछ है। तो उस वक्त उनका काम का मुतालिया शुरू हो गया। और हमारे मुल्क का मसनवी सयारचा जो है भास्कराचार्य के नाम पे लॉन्च किया गया है। रियाजी में इन्होंने जो काम किया
फिर उसके बाद वरमिहरा और ब्रह्मगुप्ता ने भी उसमें दिलचस्पी दिखाई। इनकी एक किताब है लीलावती। लीलावती में उन्होंने रियाजी के इस्तेलाहात दिए हैं, सूद, हिसाबी और ज्योमेट्री, और सॉलिड ज्योमेट्री के बारे में, प्रोग्रेशंस के बारे में उन्होंने कुछ कहा है। बहुत अच्छे। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, उसमें वीडियोस में संस्कृत में श्लोका है, एक परिंदा बैठा हुआ है, इतने एंगल पर है, फिर इसका डिस्टेंस कितना है, उन्होंने उस इंटरेस्टिंग वे में दिया है, तो शायद मुझे याद नहीं रह पाया, लेकिन बहुत बेहतरीन किताब उन्होंने उस वक्त लिखी। कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे लीलावती किताब का नाम रखा, या कोई उनकी फ्रेंड रही होगी उसके नाम पे लिखा। रियाजी के किताब के रियाजी की फलकियाती किताब भी उन्होंने लिखा है, जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि, जिसमें उन्होंने सैयारों के तूले बलद, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, तुलो आफ्ताब, गुरु आफ्ताब, और सैयारों और सितारों के आपस में जुड़े होने के बारे में उन्होंने लिखा है। फिर उसके बाद जो है कुर्रे की तारीफ की है, इल्म कायनात के बारे में लिखा है, जोग्राफिया, गर्दिशों, बैजी, सरिनो 13 किताबें भी लिखे शायद, नहीं? 13, हाँ वो सेक्शंस लिखे हुए हैं उसके अंदर, सेक्शंस इस तरह से 13 इकाइयाँ हैं। लीलावती एक किताब है, एक किताब के अंदर 13 सेक्शंस हैं। जी। हाँ, उसके बाद सिद्धांत शिरोमणि एक अलग से किताब है। फिर उसके बाद इस तरह से बहुत सारे इनके इंफिनिटी को इन्होंने सबसे पहले दिया, भास्कर आचार्य ने। उन्होंने कहा कि किसी भी शय को जो है सिफर से आप डिवाइड करेंगे तो इनफिनाइट हो जाएगा। जैसे 4 को 2 से डिवाइड किया तो जवाब 2 आता है, 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, तो किसी शय को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका जवाब इनफिनाइट आता है। प्रोग्रेशन की काफी मिसालें दी हैं इन्होंने। कुव्वते कशिश का हालांकि न्यूटन ने बाद में दिया, न्यूटन के बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, लेकिन जो है इन्होंने उससे पहले ही, न्यूटन 1400 के बाद में आए, ये 1207 में गुजर चुके थे, उससे पहले इन्होंने कुव्वते कशिश के बारे में लिखा हुआ था। फिर उसके बाद सीवी रामन है। सीवी रामन का मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि एक छोटे सा 15 साल का बच्चा बीए डिग्री हासिल करता है। देखिए मैं अभी आप लोगों से कह रहा था कि कितनी छोटी कम उम्र में इन लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट किए हैं। तिरुचिरापल्ली में ये जो है पैदा हुए थे, और इनके वालिद जो है इल्म रियाजी और तबीयत के अच्छे मुअल्लिम थे। उस वक्त बीएससी की डिग्री शायद नहीं रही होगी, 15 साल की उम्र में इन्होंने बीए डिग्री हासिल की, तबीयत और फिजिक्स उसके अंदर पढ़े, गोल्ड मेडल हासिल किया उसके अंदर। फिर उसके बाद जो है अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो सर सीवी रामन वो पहले शख्स हैं जो नॉन वाइट होकर उन्होंने नोबेल प्राइज हासिल किया। हालांकि इन्होंने बीए में डिग्री हासिल की तो फाइनेंशियल सिविल सर्विस में इनको रोजगार मिला था, अंग्रेज सल्तनत हुकूमत थी उस वक्त, लेकिन फाइनेंशियल सिविल सर्विस एक तरफ, साइंस एक तरफ, दोनों डायगोनली अपोजिट हैं, लेकिन फिर भी इनको फिजिक्स में दिलचस्पी लगातार बरकरार रही और इसमें नोबेल प्राइज हासिल किया। जब एक बार इनका वेस्टर्न कंट्री जाना हो रहा था, समंदर की तरफ निगाह डाली, इन्होंने देखा कि समंदर नीला क्यों नजर आता है। हम लोगों ने भी देखा होगा लेकिन क्यों नजर आता है इस पर गौर नहीं किया होगा। साइंसदान और एक मामूली शख्स में यही फर्क होता है। तो उन्होंने उस पर भी कुछ काम किया, और रमन इफेक्ट इनका बहुत अहम रोल है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी जैसे क्लासगो, कलकत्ता, बॉम्बे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इनको एजाजी डॉक्टरेट पीएचडी दे चुके हैं। कलकत्ता में जब मैं आप लोगों को जिक्र कर रहा था कि ये फाइनेंशियल सिविल सर्विस में काम करते थे, लेकिन इनको फिजिक्स में दिलचस्पी थी, अचानक इनका ट्रांसफर जो है कलकत्ता हो गया। कलकत्ता हो गए तो ये बहुत खुश हो गए,
कलकत्ता में इनको वाइस चांसलर भी बना दिया यूनिवर्सिटी में, और साइंस का प्रोफेसर। तो समझिए कि जैसे इनकी खुशी का ठिकाना न रहा, चाहते थे साइंस पढ़ना पढ़ाना, तो वाइस चांसलर भी बन गए और फिजिक्स के प्रोफेसर भी बन गए। फिर काफ़ी काम किया इन्होंने, फिर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की जिम्मेदारी इन्होंने 1933 में संभाली, और उसके बाद वहाँ से रिटायर्ड हुए बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से, तो वहीं मुकीम रहे। रमन इंस्टीट्यूट ऑफ रमन इंस्टीट्यूट इन्होंने कायम की बेंगलोर में 1949 में, और अपने आखिरी दिनों तक वहीं पर रहे। इसके बाद एस चंद्रशेखर हैं, चंद्रशेखर जो है और एक साइंसदान है, सर सीवी रमन के बड़े भाई के लड़के थे शायद, लाहौर में पैदा हुई है, लेकिन उनकी परवरिश जो है मद्रास में भी अच्छी तालीम हासिल किए, फिर जो है आगे पढ़ने के लिए वेस्टर्न कंट्री चले गए और वहीं सेटल रहे। इनके बारे में एक मशहूर कहावत यह है कि एस चंद्रशेखर जो है एक 140 किलोमीटर दूर रहते थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, दो बच्चे वहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे थे, तो उनको पढ़ाने के लिए रोजाना ये 140 किलोमीटर का सफर अपनी कार से। आज तो 140 किलोमीटर कार में सफर करना आसान है, लेकिन उस जमाने में वो 140 किलोमीटर रोजाना जाके दो बच्चों को पढ़ा के आते थे। लोग हैरत करते थे कि क्या बात है कि आप जो है इसको दो बच्चों को पढ़ाने के लिए उतना दूर तक जाते हैं, लेकिन लोगों की हैरत को उस वक्त सुकून मिला जब उनके वो दोनों स्टूडेंट भी जो है इनके तरह ही जो है कौन सा प्राइज नोबेल प्राइज हासिल किए। तो इस तरह से जो है जब इन्होंने इनके तलबा ने भी नोबेल प्राइज हासिल किया, तो तब लोगों को लगा कि इतनी मेहनत करके इन्होंने कैसे पढ़ाई उनको। मॉडर्न फिजिक्स में ये इनकी दिलचस्पी रही, और एस्ट्रोफिजिक्स में इनको एक बहुत बड़े प्रोफेसर के तौर पर देखा गया। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में भी इन्होंने काम किया, सुपर नोवा पे इन्होंने काम किया है। इन्होंने ये जो है ब्लैक होल के तस्वीर को क्लियर करने के करीब करीब ही पहुंच गए थे। ब्लैक होल एक ऐसा मादा होता है, आप अगर चीनी एक चम्मच में लें तो आसानी से उठा सकते हैं, लेकिन ब्लैक होल में जो मादा है एक चम्मच भर अगर आप उठाना चाहें तो इतना वजनी होगा कि आप उसको उठा भी नहीं पाएंगे, उतना उसका वजन होगा ब्लैक होल के अंदर जो मादा पाया जाता है। अच्छी है सर, फिर वो क्या चीज रहती सर वो? ब्लैक होल में, अब देखिए सितारा जब जल जाता है, जलने के बाद ब्लैक होल होती है, तो अभी उसकी तशरीह के करीब पहुंचे थे लेकिन ये कर नहीं पाए। कुछ मादा होगा, अब देखना पड़ेगा वो क्या है। फिर जो है जो इनके स्टूडेंट थे सिंह दावली और चेसिन तंग बांग, जिनको नोबेल प्राइजेस मिली हैं, और इन्होंने भी काफ़ी किताबें तसनीफ की हैं। अगले साइंसदान थे होमी जे भाभा, यानी होमी जहांगीर बाबा। तो होमी जहांगीर बाबा वो साइंसदान है जो पैदाइशी तौर पर जो है पारसी खानदान में पैदाइश हुई उनकी, और उस वक्त टाटा फैमिली के बहुत ही करीब यानी रिलेटिव्स में थे। फॉरेन में पढ़ने गए, मैं जैसे जिक्र कर रहा था वहाँ पर उनकी कद्र कीमत बहुत थी, पढ़ना चाहते थे, और न्यूक्लियर फिजिक्स में इनका नाम था। खुद तो एक्चुअली इंजीनियर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन माँ बाप के इसरार पर इंजीनियर बने, लेकिन अपनी दिलचस्पी कायम रखी एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी में। लेकिन जब लौट के शायद घर आए तो उस वक्त तक ऐसा हो चुका था कि दूसरी आलमी जंग वहाँ पे शुरू हो चुकी थी, छिड़ चुकी थी, तो ये वापस नहीं जा पाए, नहीं जा पाए। फिर इंडिया में ही रहे। इंडिया में इन्होंने टाटा से कहा कि आप एक ऐसा इदारा कायम कीजिए जहाँ पर एटॉमिक एनर्जी से मुतल्लिक मालूमात की तहकीक हो सके, तो बॉम्बे में उसका कयाम अमल में आया। फिर जो है
जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट का कयाम आया, तो एटॉमिक एनर्जी के डिपार्टमेंट में जो है एडवाइज़र के तौर पर जवाहरलाल नेहरू ने इनको रखा। कट होगा शायद क्लास सर का डाटा हो गया शायद। हाँ फिर क्लास खत्म होंगी फिर अब हाँ मैं रुको, मीना सर कुछ बोलते होंगे है ना पीसीबीडी से कोई। सर का फोन ऑफ हो गया शायद, शायद मेरे ख्याल से क्लास खत्म हो गई है। ग्रुप नहीं और एक सर है ना ग्रुप में, सर मीना सर है में कोई शायद। मैसेज डालिए सर, बोले थे ना उनका अगर डाटा खत्म हो गया या फोन वो ओवरहीट की वजह से सबके फोन ज्यादातर बंद हो जा रहे, सर का भी शायद वैसे हुआ होगा। जी क्या बोल रहे, फिर सब लेफ्ट हो जाएंगे। चलिए भाई, मेरा मोबाइल तो मेरा भी ओवरहीट पे आ गया, तो मैं भी लेफ्ट करूँ। चलिए आप आपकी मर्जी, जजाकल्ला, सलाम।